भ्रमण करा है, जर्मनी की यात्रा भी कर चुकी हैं। और राधा जी ने यात्रा का शुरू से बहुत शौक है, उन अपने मुंह से बताई कि भारतवर्ष में ऐसा कोई भी धार्मिक स्थान नहीं है जित उन यात्रा ना करियो, यह एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अंदर तक कुछ प्रेरणा हुआ है, जब इस तरह के विचार मन में आवे हर वो फलीभूत हो पावे। अन्यु का आग्रह भगवान की तरफ हम एक कदम बढ़ावे तो भगवान 100 कदम हमारी तरफ बढ़ावे। और वो राधा जी अध्यात्म में भी पूरी तरह पूर्ण है, उन्हें एक कदम नहीं बढ़ाया। उनके अध्यात्म की बात करें तो वो ध्यान में आने से पहले से शुरू से ही अध्यात्म में है। और उनने बताया कि वो कैलाश मानसरोवर पे महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 का जाप कर चुकी है। और इतना अध्यात्म मौन में, इतना ध्यान में, वो ध्यान का ही रूप है लगातार मंत्र जाप करना। तो उनके अनुभव भी बड़े होंगे, जिनकी यात्रा बड़ी तो अनुभव भी बड़े होंगे। और राधा जी के बहुत सारे अनुभव है धार्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में। और एक बात ने तो सब माना है भी धर्मी तो निम्न ही बड़ा हुआ है। क्यों करे, देखो किसी न किसी धर्म से तो हम जन्म तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक उस धर्म में नियम सिद्धांत ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं, वो धर्म बेकार है। और न्यूए राधा जी आज जो आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत है मुख्य रूप से उनके ऊपर बात करेंगी और अपने जो आध्यात्मिक अनुभव है वह भी साझा करेंगी। और श्रीमती राधा जी, राधा इलावत मैडम, आपका पीएमसी हरियाणवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मुख्य स्क्रीन पर आओ और अपने विचार प्रस्तुत करो। मैडम राधा इलावत जी, माफ कीजिए राधा मैम, अभी तक तो जुड़ नहीं पाए, तो बस वो जुड़ रहे हैं तो जुड़ गई हैं सुमित जी। हाँ, बस वो अनम्यूट करना पड़ेगा उनको आई थिंक। कनेक्शन ठीक है सुमित उनका, राधा जी का? हाँ उनको सुनाई दे रहा है क्या? अनम्यूट करना पड़ेगा। नमस्ते राधा जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ओके यस मैम, गुड। तो आपका स्वागत है राधा मैम, और आप बताने वाले हैं आज हमें बहुत कुछ, अपने अनुभव भी शेयर करने वाले हैं। जैसे कि अभी सरिता मैम ने कहा, इतनी सारी बातें आपके बारे में आपके जुड़ने से पहले बताई, और अब हम सुनने को उतारू हैं बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपका स्वागत है, प्लीज। ओके सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संगीता जी और पीएमसी हरियाणवी से जुड़ी हुई पूरी टीम और जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, श्रोतागण हैं और आपकी टीम के सभी मेंबर्स सबको आज मेरी बहुत बहुत राम राम। क्योंकि आज हरियाणवी में बोलना है तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से जितनी भी हरियाणवी में बोल पाऊँ, आपने कन्विंस कर पाऊँ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं संगीता जी राम राम के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने सुंदर प्लेटफॉर्म और जो कि मेरी इच्छा के स्वरूप भी है उस पे मुझे बोलने का मौका दिया और इतने सुंदर जो सोलमेट्स इससे जुड़े हुए हैं वो मेरे को सुनने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की आभारी हूँ। क्योंकि आपकी और मेरी जान पहचान तो शायद नहीं थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पहले भी अपने एक एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर किया था कि शायद 20 साल पहले मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुई तो आपके पेरेंट्स से मैं मिली थी, आपसे नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोल का कनेक्शन है, जब हम एक दूसरे से, आपने फिर मेरा हाथ पकड़ा
और इस प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो शायद इस बात के लिए मैं ता जिंदगी आपके ऋणी रहूंगी कि आपने बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे दिया और रास्ता दिखाया मुझे। तो जैसा कि शुरुआत हमें इस बात से करनी है कि आज का टॉपिक भी हमारा है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई। मुझे अपनी जिंदगी शुरू जैसे ही मैंने करती है, लड़की माँ बाप के घर में होती है, उसके बाद शादी हो जाती है, साथ में परमात्मा ने एजुकेशन के साथ हमें ऐसा फील्ड दे दिया जहाँ हमें कार्य करना होता है। और बहुत छोटी उम्र में जब आप नौकरी पे लग जाते हो, मैं जब 23 साल की थी तो मैंने जॉब ज्वाइन की, लेकिन उस एक कार्य के साथ, मेरी ड्यूटी के साथ साथ, शायद मेरा मानना है कि हमारी जो आत्मा है प्री डिजाइन होके आती है कि इस सोल को क्या करना है, उसी डायरेक्शन में हमें गाइड्स जो है गाइडलाइंस मिलती रहती है। तो सब अपने घर की ड्यूटी, रिश्तेदारों की ड्यूटी, समाज की ड्यूटी और जो मेरी नौकरी की ड्यूटी थी, उस सब को करते करते धीरे 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 जो है एक अध्यात्म का जो रास्ता था वो भी शायद जुड़ने लगा। पहले इस चीज के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पूजा पाठ को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन घर में देखते थे कि कोई दिया जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, मेरे फादर स्पेशली करते थे, तो शायद मैं अपने साथ वो लेके आई थी। तो घर में मैंने जैसे भी अपने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन एक मेरा इंटरेस्ट जरूर रहता था कि मैं धार्मिक यात्राएं करने मुझे बहुत अच्छा लगता था, और दया भावना मेरे अंदर शुरू से ही थी, किसी की मदद करना, किसी भी रूप में मदद करना, गरीबों के प्रति कोई दान दक्षिणा, या परिवार में कोई दुख तकलीफ में है तो उसकी मेडिकल सहायता करना, या शारीरिक रूप से मुझे जो मेरी मेहनत होती थी वो मैंने हमेशा जो है, चाहे मैं किसी भी व्यक्ति को, मेरे नॉन को जरूरत पड़ी है, मैंने हमेशा ही जो है उनकी मदद करी है। तो शायद ये कोई ना कोई ऐसी भावना अंदर रही होगी जो इस लाइन पे आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो इसके बाद जैसे ही ये धीरे 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 बढ़ता चला गया, और मैडम जी मैं तो न्यू लालो दिया बाती लांदी लांदी, और थोड़ी किते न किते पहले तो न्यू जाया करते भाई, ओहो फलानी जगह मेरी ड्यूटी लाग रही है, उड़े किते मंदिर होया करता दो मान चले जाया करते, अरे भाई किते लग गया कि अरे तो ज्योतिर्लिंग है तो उड़े ज्योतिर्लिंग पे अपनी राम राम कर चल जाया करते, शिव जी भोले धोरे। तो सारा यो करते करते नौकरी भी छूट गई किसी कारण से, फैमिली के उससे मुझे अपना VRS लेना पड़ा, तो फिर लगा कि तो घर की ड्यूटी रहेगी, माड़ी मोटी बालक ही मदद करनी, बालक भी बड़े हो गए, तो फिर जो है स्पिरिचुअल लाइन में और गणे जुड़ गए। इतने में मेरा जो है 10 साल पहले 12 साल पहले थोड़ी सी लुगाई, मेरा वर्गी ने सोचे मेरे बालक बड़े हो गए, मैडम के बड़े हो रहे हैं, चल भाई इकट्ठे होके कितने घूमन चलांगे। तो हमने न्यू डिसाइड करा भाई घूमन जाओ हो तो तुम बेटर भी देश, हम तो चलो फैमिली के लिए चले गए और कुकर चले गए, लेकिन बड़ी यार लगा कि अपना कितने धार्मिक स्थान पर चला। तो हमने ये मन बनाया कि भाई हम चल अमरनाथ यात्रा करके आवेंगे, तो अमरनाथ यात्रा चले गए, भोला ने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया, सुथरी डाल तड़े घर आ गया अपने, फिर और हौसला बढ़ गया। करते करते फिर न्यू बोलिया भाई अगली बार चलो ज्योतिर्लिंग चलांगे, तो करते कराते हमने सारे के सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करे, फिर अष्टविनायक करे। तो मेरा कहने का मतलब जो है इस लाइन में जो है हम जुड़ते ही चले गए। तो सबसे पहले अमरनाथ यात्रा के बाद, ज्योतिर्लिंग के बाद, जो मेरी विशेष यात्रा थी वह थी मेरी कैलाश मानसरोवर की 4 साल पहले। लेकिन जब मैं कैलाश मानसरोवर गई, उससे पहला हमारा जो महिलाओं का एक ग्रुप है गुड़गांव दिल्ली, जो कि आध्यात्मिक औरतें हैं, वो कहते हैं ना कि अपने जिसा मानस आप पे टोल है या वो मने टोलेगा मैं उसने टोलूंगी। तो करते करते हमारे 150 महिलाओं का एक ग्रुप ईसा बन गया, जो भाई हर महीने अपने घर में सत्संग करवाओ, भाई कोई किसी साईं बाबा ने माना है, कोई शिव जी भोले ने माना है, तो रोज हर महीने 1-2 घंटे का सत्संग होया करता। और मैडम म्यूजिक भी अपने आपने न्यू बेरा है कि ध्यान का माध्यम है, आप म्यूजिक में बैठ जाओ बढ़िया भजन चलेंगे तो आदमी अपने आप जो है ध्यान में चला जाता है। यहाँ से शुरुआत होके फिर मोटिवेशन मिला कि चलो भाई कैलाश मानसरोवर,
सारे लुगाई ने बोले मैं डर लागा कौन जावा हम तो इतनी दूर, लेकिन मेरी अंदर से बहुत आर्टिस्ट डिजायर थी कि भाई मैंने कैलाश मानसरोवर तो जरूर जाना है। उससे पहले ये यात्रा बनाते बनाते मुझे 2 साल लग गए, कोई माने कोई नहीं माने। मैंने घर में अपना सत्संग करवाया और सत्संग करवाया अगले दिन मन तड़के 4 बजे जानू साईं बाबा मेरा खाट का दौरा ही खड़ा है। मैं तो देख के मैं बोली मैं सुती तो कौन जागू हूँ, पर ये बाबा खड़ा था आ गया न्यू देखा मैं कल घर वाला उठाऊ इतना के ठाऊ दी तो सोचा 4 बजे के ठाऊ तड़के बताऊंगी तड़के मैं तो कूद दी पाई। मैं बोली शमशेर ने मैं बोली देख आज तो मैंने बाबा दिखा बोले अच्छा सो जा न्यू सपना आ गया होगा चलो यानी आओ। तो ये बात होके मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया तो मतलब धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस है वो होने लगे। देन मैंने प्लान किया वही वापस की 3 महिलाएं तैयार हुई ये बोली चल लांगे भाई चल। मैं बोली चाहे तमने अड़े कंधे बिठा के ले जाऊं लेकिन कैलाश मानसरोवर तम मेरे गल्ला चल पड़ो क्योंकि मैंने कोई कंपनी तो चाहिए बात करना है 15 दिन तक। तो जी जैसे भी हमारा प्रोग्राम बना और हम फ्लाइट में बैठे तो अचानक कहीं से ऐसे इंट्यूशन हुई कि भाई मेरे को संकल्प लेना है क्योंकि जब तक मैं ध्यान में इतनी ज्यादा नहीं आई थी थोड़ी थोड़ी 5-10 मिनट 15 मिनट करा करती मैं अपना। तो हम फ्लाइट में बैठ के मैंने संकल्प लिया कि भाई बाबा के तो चाल पड़ी पर किमी तो काम करके आऊं। मैंने सोचा मैं 1.25 लाख जाप करूंगी भाई ओम नमः शिवाय के और महामृत्युंजय के। तो मैंने फ्लाइट में लेके अपनी जो भी काउंटिंग थी छोटी डायरी में अपना लिखना शुरू कर दिया और मैं जैसे ही वहां पे कैलाश मानसरोवर पहुंची तो स्नान करने के बाद हमारा हवन हुआ तब तक मेरे 1.25 लाख जाप जो है मैंने पूरे कर लिए। एक ये मेरा माध्यम था स्पिरिचुअल लाइन में आने का, शायद मेरे को तब ऐसा ही करना होगा, परमात्मा ने मुझे यही रास्ता दिखाया था क्योंकि वहां पे जो हम ये यात्रा करते हैं या जोत लगाते हैं या जो भी माला फेरते हैं मुझे लगता है हम एक ना मैं बीच में संगीता मैडम जी की मुझे बात याद आ रही है कहते हैं भाई मन तो 40 साल मुंह खराब कर दिए। मैडम जी मैं नहीं मानू कति खराब नहीं करे आपने क्योंकि हमने वो बीज तो डाल दिया ना, जिसका बीज डालने के बाद पौधा बन के हम स्पिरिचुअल लाइन में आए हैं, चाहे वह जोत बत्ती लाई हो चाहे कितने यात्रा करी हो कोई ना कोई बीज तो डलिया है उसका। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि वहां पे 20-30 लोग थे सबको अपने अपने दर्शन हुए। मुझे तब तक अगर संगीता जी नहीं बताते तो अर्धनारेश्वरी शब्द मैंने पहले बार अभी सुना है संगीता जी से क्योंकि मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मुझे कैलाश पर्वत के ऊपर बिल्कुल शिव जी का और ओवरलैप किया हुआ आधा पार्वती जी का फेस मुझे एकदम क्लियर दिखाई दिया। नीचे नंदी जी बैठे हैं साइड में सीढ़ियां नजर आ रही है लेकिन वो कैप्चर तो नहीं कर सकते लेकिन आपको खुद को विजुअलाइज होता है। मैंने सबको बताया मुझे ये दिख रहा है एनी हाउ जो भी हुआ। उसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट डे जो है परिक्रमा पे चले गए, करे अभी पैदल चलांगे 12 किलोमीटर की है, एक थोड़ी सी भारी सी लुगाई थी मेरे गले और हम 40 में 10 जने ऊपर चढ़े बाकी सारे तले रह गए। और उसमें तो अच्छे अच्छे का दे तो मैं बताऊं कि जवान बच्चे थे, 2 पुलिस की महिलाएं थी यूपी की, 1 पुलिस का लड़का था शायद पंजाब का। वह आधा रास्ता जान देने बोला मैडम जी आप तो हमारी माँ वर्गी हो कि मदद कर दो हम तो थक गए। मैं बोल भाई तो हम घोड़े पकड़ लियो और तो तारी की मदद के चाह पिया दूंगी तो हमने बना के। तो जो भी हम यात्रा करी और रास्ते में जो एक्सपीरियंस हुआ हमारा मेरा अपना मेडिटेशन का जो कि यहाँ जो ध्यान लगाती थी उसका ही परिणाम था। इतने सुंदर भोले बाबा के जो दर्शन होते चले गए, मैं आगे चलूं वो मेरे साथ वाले पीछे रह जाए, मैं जाके फिर अपना मेडिटेशन कर ला जाऊं फिर आगे चलूं फिर मेडिटेशन कर ला जाऊं। कुल मिला के 12.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जहां हमारा पड़ाव था जहां हम रुके हुए थे सब लोगों की ऑक्सीजन काफी डाउन होगी, थोड़े से परेशानी में ही थे एक दो को छोड़ के। अरे भाई मैं तो न्यू के न्यू जुकर के आराम ने टांटी एवर की न्यू ही चाल दे रही, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी ऑक्सीजन 589 और 90 मैं तो राजी। मैं बोली भाई तम सोवो और मैं चल ली अपने बोले के मेडिटेशन करन। ऊपर से बर्फ पड़न लग रही और मैं अपने ध्यान में, आपको बाद में मैं पिक्चरें भेजूंगी, तो मैं 1.5 घंटा 1.25 घंटा बाहर रात को मेडिटेशन खुली आंखों से मैंने मेडिटेशन करी और इतने सुंदर जो वहां पे मेरा स्वरूप दिखाई दिया कि जैसे पूरे
बाबा ने पूरा दरबार लगाया हुआ है, उसके अस्तबल भी है, बड़ी बड़ी चांदी की कुर्सियां भी है, सब कुछ नजर आया मुझे। लेकिन जो नीचे मुझे नजर आया कि एक मुझे दाढ़ी वाले बाबा है, कोई संत है जो मेरे से गुस्से में है, और मैंने उनको नहीं पहचाना। मेडिटेशन करके सुबह आ गए, वापिस आ गए, यात्रा कंप्लीट हो गई। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं मुझे, आज तक मुझे उनका जवाब नहीं मिला कि वो कौन है और कौन थे। संगीता जी के माध्यम से जैसे ही मैंने मेडिटेशन ज्वाइन की, और एक दिन मेडिटेशन में मुझे वही फेस, वही चेहरा फिर नजर आया, मैं फिर असमंजस में पड़ गई। मैं कहा यो बाबा तुड़े भी दिखा राज, फिर दिख गया है कौन, इसने टोहा को करी। तो देखो ध्यान इतनी अच्छी चीज है कि जैसे इसकी गहराई में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमने नजर आने लग जाए हैं। तो मैं ये बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से पहले भी, कि जुकरे में इस ध्यान में आई, मैंने देखा यो बाबा तो सेम वो है बाबा है जून सा हमारा गम है, सारे लोग इसने पूजे हैं मंदिर में। बेरा पटे यो बाबा तो 100 साल पहले आड़े धूना लगा के बैठा करता। तो कोई ना कोई हमारे जो है कहते हैं ना, जो मास्टर्स हैं, जो हमारे को गाइडलाइन करने वाले, वो हमारे आसपास ही रहे हैं। हम उन्हें थोड़े से शायद भूल जावा, लेकिन वो हमारे को नहीं छोड़ते। तो मैडम ये यात्रा तो मेरी कैलाश मानसरोवर की थी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपने, फिर हम घर आ गए और लड़के लुगाइया के डटा जाया करा, फिर जो हंडनिया मानस उस पर नहीं डटा जाया करता। तब फिर हमने दोबारा फिर प्रोग्राम बनाया कि चलो भाई कड़े चलांगे, बोला मुक्तिनाथ चलांगे। यू बोले राधा तू नहीं नहीं बाटो ही रखा, कड़े तो टोके लाई हो मुक्तिनाथ। मैं बोली भाई देख मुक्तिनाथ टोके लाई, मैंने तो बेरा है, देखो इस मानस जिसने इसकी लगन हो सबकी मिटोए जा रहा है। बोला बाबा का नाम ले लो, राम का नाम भी ले लो और घुमाई भी हो जाए। तब तक मैं इस लाइन में थी कि मुझे घूमना चाहिए, मेरे को अच्छा लगता था घूमना। तो जैसे ही हम गए, 2-4 महिलाएं थी, मेरी फैमिली भी थी, तो जाके वहां पे रुके हम, पोखरा रुके, आगे हमारे हेलीकॉप्टर से जाना था क्योंकि यात्रा लंबी थी। तो जहां से हम क्रॉस करते हैं, शायद आप सब लोगों को मालूम भी है कि गंडकी रिवर जाती है, वहां से 2 रिवर मिलती है जहां से शालिग्राम सारे बह के आते हैं नदी के अंदर। अगर आप उनको कट करोगे तो उसमें सब में से आपको शालिग्राम निकलेंगे। हम भी लुगाई थी बटड़े कर लागी, 2-2 4-4 गाल लिए जोड़म भारी भारी, चलो भाई शालिग्राम का डेंगरा जाके। तो जैसे ही हम हेलीकॉप्टर में बैठे, क्योंकि नेपाल के अंदर सारी वर्ल्ड की पीक्स जो है नेपाल के अंदर ही है, उसमें से एक अन्नपूर्णा वो पर्वत है बहुत, जो कि बहुत फेमस है, पूरा बर्फ से ढका हुआ। और हेलीकॉप्टर में आगे बैठने का मौका मैंने पा गया, मैं तो भी थोड़ी सी स्पोर्ट्स वाले, हाँ स्पोर्ट्स वाले किमें किमें एक्टिव रहे थोड़े शायद फालतू, उनमें कीटाणु जो ज्यादा हुए एक्टिवनेस वाले। तो आगे बैठ गई, इतना हम देखा साईं बाबा का इतना बड़ा फेस सामने फिर नजर आ गया। ए मैं बोली छोरियो देखो ये साईं बाबा रहा, इतना बतराने लग गई, इतना तो बादल आ गया, बाबा मने मने दिखा बाबा चली तो बेचारी नहीं बैठी रहेगी मेरा। तो आसन लग गई, बोला बाबा तेरे पर किम गणा बहरवान हो रहा। मैं कह रहा बाबा के तो जिक्र भी नहीं चल, आयो तो और काम थे, साईं बाबा कड़ा आ गया ही बड़ा। तो कहने का मतलब जो हमारे जो मास्टर्स हैं हमें दर्शन देते हैं जगह जगह पे, बहुत सुंदर स्नान किया और बहुत अच्छा अद्भुत दृश्य वहाँ था। और एक हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उसकी बहुत मान्यता भी है। और भाई 7 दिन पाछे बेरा पटिया मोदी जी भी उड़े जा रहे हैं मुक्तिनाथ। मैं कह यो तो बढ़िया काम करे, हम तो पहला यहाँ हाथ लाया है, मोदी जी हमारे पाछे पाछे चल पड़े। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्ता है उस जगह की। तो मैडम ये जो सारा सिस्टम है हमारा, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो मेरा काम मानसरोवर के बाद में मुक्तिनाथ, और फिर जो करते करते हमारा जो है मेरा मेडिटेशन में घर आने के बाद और मेडिटेशन में मेरा जो है रुचि और बढ़ने लग गई। और जैसे जैसे रुचि बढ़ने लगी तो मुझे घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा वाक्य होता मेरे साथ कि आज कुछ ना कुछ घटना घटेगी, ऐसा मतलब मुझे फील होता, इंट्यूशन होती थी। मैं जो ही मंदिर में जोत लाने बैठा कर दी, और कदे तो मैं न्यू हालन लाग जा रही, कदे न्यू हालन लाग जा रही, फिर न्यू कर दे भी रोला क्यों हो रहा है, मैं आलू क्यों हूँ, कदे ऊपर जाऊं, इतनी तो मैं ध्यान भी कौन लाऊं, पर फिर भी के है। पर इसका फिर मैंने धीरे धीरे, आजकल तो गूगल आ रहा है ना, देखो ये रोला के है कुकर आलू में, तो पता लगा स्पिरिचुअल उसमें जो है
कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन में होते हो तो आपको कुछ ऐसे ऐसे आभास होने लगते हैं। फिर सोया कर दी तो तड़के कोई 4 बजे 3:30 बजे न्यू लगे तो मेरे मुंह पर कोई टॉर्च मारने लग रहा है। मैं सोची यू क्यों हो गया, टॉर्च कट आ गई और फिर जाग जाऊं, कोई सपना नहीं कुछ नहीं। तो एक दिन ऐसे ही आया कि इसका मतलब भगवान या जो सो कॉल्ड हमारी सुप्रीम पावर है भाई चाहती है उठो, इस जीवन ने बर्बाद ना करो, उठ के किमिन किमिन तम ध्यान करो, क्योंकि मेडिटेशन वाले तो ध्यान नहीं आओगे और क्या आओगे। तो उनके कहने से या जो मुझे इंट्यूशन हुई या जो मुझे मैसेज मिलता था उसके तहत मैं अपना जो है थोड़ी बहुत जद बार टॉर्च ला के आ रही थी उठ के बैठ जा रही थी मेडिटेशन करने खातर। मैं बोली 5 मिनट 10 मिनट की नहीं तो लगेगा, लेकिन ये जो है प्रक्रिया मेरी काफी टाइम से थी तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो है ऐसे मेरा ध्यान होने लग गया। फिर अभी जो ताजा घटनाएं घटी कि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ लॉकडाउन का टाइम आया और टाइम पास किस तरह करो, मेडिटेशन की तो आदत थी लेकिन एक दिन मैं जैसे सो रही जैसे मुझे किसी ने जोर से हिलाया, फिर मुझे लगा कि मुझे 3:30 बजे मैंने फिर गूगल मारा कि 3:30 बजे उठने का क्या मतलब, हरी आन 3 और 4 के बीच बैठा हुआ है। तो तब मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करनी शुरू करी कि हाँ भाई ऐसे कोई पावर्स होती है जो आपको उठाती है। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आई कि मैं ये टाइम क्यों खराब करूं अपना, मुझे 4 बजे उठना चाहिए। एकदम जो विचार आया मुझे किसी कोई मेडिटेशन मैंने कोई ग्रुप या कोई प्लेटफॉर्म मैंने कोई ज्वाइन नहीं कर रखा, मैं अपनी भगवान के आदेश से जो भी मुझे ज्ञान था मैं थोड़ा थोड़ा करती चली गई। क्योंकि इससे पहले मैं 10 साल से 12 साल से मेरे पास कम से कम आई थिंक सो 30-40 के करीब किताबें हैं। हेलो हेलो आ रही है मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। तो मेरे पास कम से कम भी 30-40 किताबें हैं जो मुझे किताब लाने का शौक होता था कि ये इससे रिलेटेड है, लेकिन 2 पेज पढ़ लिए 10 पेज पढ़ लिए 15 पढ़ लिए, या मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था, किताब पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि एक तो अभी ये कहूंगी कि टाइम का अभाव का हो या जो हमारी अज्ञानता थी कि टाइम का अभाव है, ये अज्ञानता वर्ड है, तो उसके तहत मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किताब जो है मैं पढ़ा करती, जैसे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर डॉक्टर ब्रायन है शायद, मैं इतने आपको ऑथर्स के नाम नहीं बता पाऊंगी। उसके बाद में हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, नॉन अटैचमेंट अटैच्ड अटैचमेंट, और ये यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, उनसे तो मैं मिली भी हूँ, उनके पास मैं सत्संग करके आई हूँ, 2 बार जाके भी आई हूँ। फिर फाइंडिंग द वे विद इन यू, फाइंडिंग द जॉय विद इन यू, सहज साधना, आनंदमय जीवन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो इस तरह की जो किताबें थी मैंने कुछ कुछ उसमें से मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी भी लगती थी। और एक मैंने, अब मुझे याद नहीं है वो स्टोरी थी या कोई बुक मैंने पढ़ी या किसी से सुनी, वो मुझे बहुत दिल को छू गई बात। स्विट्जरलैंड के अंदर एक शायद नर्स होती है, मैडम आपको पूरा ज्ञान होगा, मेरी कहीं गलती हो तो प्लीज थोड़ा करेक्ट कर देना, जो कि 30 साल से नौकरी करती थी एक हॉस्पिटल के अंदर, और वो ऐसे पेशेंट के साथ रहती थी जो कि लास्ट ब्रेथ ले रहे होते हैं, उनकी मोस्टली की उनकी डेथ हो जाती थी। तो उसका इतने साल में एक्सपीरियंस हो गया कि मैं हर आदमी से बात करती हूँ, 99% आदमी जो है कुछ ना कुछ यही बात बोल के जाते हैं, 4-5 कॉमन, कि मैं अपने लिए क्यों नहीं जिया, मैं औरों के बारे में ही सोचता रहा, अपने बारे में क्यों नहीं सोचा, अपने लिए क्यों नहीं जिया, अपने ऊपर समय क्यों नहीं लगाया, ये 5-4 हर आदमी की कॉमन बात होती है। तो ये बातें बैक ऑफ द माइंड थी, तो तब लगता था कि भाई फर्स्ट लव योरसेल्फ, तो वो मैंने चाहे अपने शरीर को अच्छा रखना है, चाहे वो अपनी आत्मा को अच्छा रखना है, चाहे अपने घर को अच्छा रखना है, ये 2-4 बातें अपने ऊपर पहले लागू करो। मेरा ये मानना है कि पहले अगर आप स्वस्थ रहोगे, आप खुश रहोगे, तो आपके अपने परिवार की, समाज की, घर की देखभाल कर सकते हो। अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो दूसरों का ध्यान कभी नहीं रख पाओगे। इसी में मेरा एक और मानना है कि जो मैं करती आई हूँ थोड़ा थोड़ा,
कि हमें सोल को भोजन चाहिए ध्यान के तरफ, ध्यान एक जो है वो खुराक है हमारी सोल की, उसके साथ हमारे शरीर की खुराक है अच्छा भोजन और व्यायाम। तो मेरी जिंदगी में जितना खाने का महत्व है इतना ही एक्सरसाइज का भी महत्व है मेरी जिंदगी में। प्रारब्ध के अगर मेरे कोई कष्ट आ रहे हैं उससे मैं उसको सहन करने में मेरी विल पावर स्ट्रोंग हो गई तो ध्यान के माध्यम से, वरना मैं अपने 2 घंटे अपने शरीर को और अब मैडम ने 2 घंटे लगा दिए सोल के भोजन को, पहले तो आधा 1 घंटा दिया थे, मेरी सोल भी बेचारी भूखी रह करती शांत आई। तो ये करते करते सारा जो है छोटा छोटा इधर उधर से अच्छे लोगों के बीच में बैठना, धार्मिक लोगों के बीच में बैठना, अच्छे ज्ञानी कभी कभी साधु लोगों के बीच में कभी मिलना हो जाता था धार्मिक स्थानों पे जाने से, तो थोड़ी थोड़ी जो है नॉलेज बटोरते बटोरते आज इस मुकाम पे संगीता जी ले आए कि 2-4 शब्द जो है रट गए, याद हो गए, रीत तारा रूबरू होने लगी। तो फिर वापिस उसी पे जाती हूँ कि मैं 4 बजे उठने का मेरा निर्णय हुआ कि आपको 4 बजे उठना चाहिए, तो लॉकडाउन में मैं 4 बजे उठ के मेडिटेशन करने लगी। तो 2-4 मेरे दोस्त है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बोला मम्मी तो सोले बुढ़ापम तो नींद नहीं आनी, बोला क्यों दुखी हो रही है, मैं कहा बेटा यो ध्यान लगाऊंगी ना तो शायद मैंने नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ई आदत डाल लूंगी बुढ़ापा में यो मेडिटेशन नहीं होगा, फिर 4 बजे उठी रहूंगी खाली बैठी रहूंगी, ध्यान की आदत पड़ जाए टाइम पास हो जाएगा बुढ़ापा अम्मा का। तो कहने का मतलब है कि मैं ये सब 4 बजे उठने की आदत डालने के बाद, हमारे एक नॉन है अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत नामी डॉक्टर हैं, जो कि वो आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत पहले से चले हुए हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत उनको नॉलेज है बहुत ज्यादा। तो मैं उनको कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनके पास गई थी, तो मैंने उनको जिक्र किया, उन्होंने बेचारा ने तुरंत फोन किया कि स्वामी जी हमारे को एक पिछले जन्म की शिष्या और मिल गई, आप इनका फॉर्म भरवा के इनकी मदद कर दो, कोरोना का टाइम है। तो उन्होंने मुझे योगी हमारे परमहंस योगानंद जी की जो किताब दी कि मैडम आप ये पढ़ो, मैंने उसके कुछ ही पेज पढ़े थे और वो फॉर्म इस किताब के अंदर अभी भी मेरे पास है, कोरोना की वजह से मैं नोएडा नहीं जा पाई। इतने में संगीता जी के दफ्तर तक फोन आ गया कि मैडम ऐसे ऐसे आप ध्यान के उसमें जाना चाहते, मैं बोलना भाई रहे मैं तो अपना खुद ध्यान लाऊ, मैं कौन जाऊँ, मैंने तो बेरा कौन कूण है एकदम। फिर मेरे रिकॉल किया, अरे मैं डॉक्टर संगीता, अच्छा अच्छा, फिर मैंने कॉल बैक किया इनको, मैं बोली हाँ हाँ मैं पक्का करूंगी, मुझे नहीं पता संगीता जी इतनी बड़ी मास्टर बनी हुई है, इतने लेवल पे पहुंचे हुए हैं, मेरी तो उम्र में भी छोटी और नौकरी करती है डॉक्टर की, मेरे को नहीं पता था कि डॉक्टर साहब कोई इतनी नॉलेज इतनी गाइडेंस और वो हमारे जैसे लोगों को इतना गाइडलाइन दे रही है, तो ये मेरे लिए खुशी का विषय भी था। और जिस तरह से उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और रास्ता दिखाने का काम किया, मैं फिर आपको ये कहती हूँ कि उनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। और शायद मुझे सितंबर में ही ज्वाइन किया, मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं होया कि भाई मैं नहीं कहती, लेकिन मैंने जिस दिन पहले दिन 90 मिनट की मैडम ने ध्यान का प्रस्ताव रखा और तड़का तय पिंडी काम दे रही, तड़का 90 मिनट का करूंगी कुकर मका मैं, क्योंकि मैं 15-20 मिनट में मेरे तो न्यू और डाल सी होने लाए जे, मैं कहो तो सह तो गड़बड़, फिर मैं कहा कोई बात नहीं, जो भी मेरे बाबे थे सारे तो याद कर, मैं कहा भाई देख मेरी इज्जत रख दी है, जान पिछाण की लुगाई है, कदे मेरी बेइज्जती हो जाए। तो यह सोच के मैंने अपना ध्यान शुरू कर दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से जो मेरा ये है ध्यान का कार्यक्रम शुरू हो गया। शायद मैंने उसके अंदर जब से डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया उसके साथ साथ मैं ये मानने लगी कि अभ्यास जो है उसके साथ अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड की जो भावना मेरे अंदर पहले से थी वो मैं थोड़ा थोड़ा लिखने लगी थी, परंतु संगीता जी ने कहा कि जो भी ध्यान करते हो जो कुछ होता है वो जरूर लिखना है, तो मैंने आधी से ज्यादा डायरी जो है हर रोज मैडम की 2 लाइन लिखूं 4 लाइन लिखूं मैं हर रोज लिखती हूँ जो भी मुझे आभास होता है। और सबसे सुंदर तो जो मेरे आउट ऑफ द वर्ल्ड था, मेरे कति दिमाग में भी था, मैंने कदे सोचा भी नहीं कि प्रकृति से जो उन्होंने मेरा परिचय करवाया, मैंने इतने पौधे सुंदर लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखे हैं, लेकिन मैंने कदे नहीं बेचारा है दौरे जाके भी देखा। 20 साल पहले एक मेरी फ्रेंड होया करती कोई ऐसी की वाइफ ने बोले राधा तू इसके दौरे जाके देख, तेने देख के हंसने लग जाए बावली, मैं पौधे भी कदे हंसा करे, मतलब मैंने उसका
मजाक उड़ाया, लेकिन संगीता जी ने बताया और मैंने वो एक्सपीरियंस करके देखा कि वाक्य में ही पौधे जगत के पास, वनस्पति जगत के पास जाओ तो वो आपको रिस्पोंड करते हैं। संगीता जी धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा डाल दी। पशु पक्षियों का थोड़ा ध्यान, क्योंकि मैं घर में अपने डॉग रखती हूँ तो वो उसका थोड़ा सा मुझे नेचर पता है, तो थोड़ी सी फैमिलियर मैं इससे तो थी। जैसे कहीं चींटियां हैं, अनाज डाल दिया, दाल डाल दी, ये थोड़ा थोड़ा काम तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन संगीता जी ने जो मुझे नई लाइन पे डाला है वो मेरे लिए बिल्कुल अद्भुत और नया है। तो यही जो है छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो है आपके सामने मैंने जो शेयर किए हैं, शायद अगर इसमें और कोई कुछ बाकी संगीता जी के बाद के जो एक्सपीरियंस है वो हम बाद में जो है शेयर करेंगे, क्योंकि आज एक मेरी जो ड्यूटी है वो संगीता जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा का प्रोग्राम है उसमें मेरी जो ड्यूटी लगाई है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अरे भाई तो किसी ने समझ नहीं आवा, एक आधा देख पढ़ने की आदत नहीं रह रही है मेरी, अरे कितने संस्कृत और हिंदी जब गलत हो जाए ना तो माफ कर दियो, क्योंकि आदत छूट गई। खिलाया करते, कोचिंग दिया करते तो भी बालका ने बोल के दिया करते, पढ़ने का काम नहीं था, अरे गणित पढ़ाई मुशार भी ना थी, सेकंड डिवीजन मसाई आया करती मेरी तो, और अंग्रेजी सीखी थी हमने ABCD छठी क्लास में, पर हाँ इतनी है कि ते बोलने का थोड़ा बहुत काम पड़े तो चला दूंगी तारा काम, और लॉकडाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन कहीं गलती हो जाए तो जरा मेरे को माफ कर देना। तो करें मैडम आज ये अपना कार्यक्रम नेक्स्ट आगे आध्यात्मिक विज्ञान सिद्धांत जो है, तो आज का जो मेरा चैप्टर है आध्यात्मिक विज्ञान सिद्धांत, वैसे तो ये बहुत वास्ट है परंतु मेरे को ब्रीफ में बताना है जो कि मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रही हूं। आध्यात्मिक विज्ञान सभी विज्ञानों की जन्मदात्री है, आध्यात्मिक विज्ञान एक आधारभूत विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान ही मूल विज्ञान है। सामान्यतः लोग इस मूल जन्मदात्री विज्ञान को भूल चुके हैं, इसलिए हमने स्वयं यह काम चुना कि विश्व में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस मूल जन्मदात्री आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो सके। अनेक व्यक्ति जो आत्मज्ञानी बन चुके हैं इस मूल विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत 6 मूलभूत सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत है आत्म तत्व सिद्धांत। मैडम आवाज आ रही ना सबको? बिल्कुल आ रही है। ओके, आत्म तत्व सिद्धांत के अनुसार हम शुद्ध चैतन्य तत्व हैं, हम अणु या परमाणु नहीं हैं, हम एंजाइम्स और कोएंजाइम्स नहीं हैं, मांसपेशियां या हड्डियां भी नहीं हैं, हम भौतिक शरीर नहीं हैं, हम केवल शुद्ध चेतना हैं। इसी शुद्ध चेतना को ऊर्जा कहते हैं, इसी शुद्ध चेतना को ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं। हम शक्ति, चेतना, आत्मज्ञान से मिलकर बने हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो यह चेतना स्थूल शरीर के साथ संयोग करती है, इसी को जीवात्मा कहते हैं। स्थूल शरीर में प्रवेश करने से पहले इसे आत्मा कहते हैं। यही पहला सिद्धांत है कि हम केवल आत्मा हैं, मैं शुद्ध विस्तृत फैली हुई चेतना हूं। अहम ब्रह्म आस्मि ततमसि शश्वते केतु। हम सब आत्मा हैं, हम स्थूल शरीर नहीं है, हम जो नहीं है, जो हम शीशे में आप दिखते हो वो नहीं है, हम शुद्ध चेतना है। यह चेतना जिसके सभी तारे, ग्रह, ब्रह्मांड, प्रत्येक चीज ने जन्म लिया, तभी हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वो ही शुद्ध चेतना है, लेकिन हम सोचते हैं कि 20 या 30 साल का व्यक्ति या पुरुष के रूप में भौतिक शरीर ही है, जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं, केवल यही स्थूल शरीर है जो कि असत्य है, झूठ है। अगर आप सारा जीवन इसी असत्य में जियोगे तो हमेशा अपने आप को दुखी ही महसूस करोगे। हमारे जीवन का आधार सत्य है, न कि असत्य। अगर आप अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठे हैं तो शायद ये आपकी गलत फहमी या मूर्खता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने सभी जगह दुख को पाया। उन्होंने पाया
कि यह दुख तो सभी जगह फैला हुआ है। जब गौतम बुद्ध बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि दुख तो सभी जगह फैला हुआ है और सभी जगह इसी असत्य को पाए। उन्होंने सबसे पहले इस महान सत्य को जाना कि दुखों का कारण तृष्णा, क्योंकि लोगों के पास जो कुछ भी आवश्यक है उसमें अधिक, उससे उसको अधिक चाहिए। मान लो मैं हूं या मैडम जो दैया मैडम है, ये कहती है मेरे पास तो एक ही घर है, मुझे तो एक घर और चाहिए। मेरे पास छोटा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए। एक गाड़ी है, मुझे दो गाड़ी चाहिए। तो ये लिमिट तो कभी खत्म होती ही नहीं। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी इसके चैप्टर के, कि हम पहले सोचते थे कि हम अपने आप को संतुष्ट नहीं करना, अगर हमने संतुष्ट कर लिया तो हम वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा ध्यान से पहले मानना था। तो उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होती थी कि नहीं, मेरा ये मैंने अचीव कर लिया, नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है, मुझे और आगे जाना है, उसके लिए मुझे संतुष्ट नहीं होना। संतुष्ट मीन्स सैचुरेशन आना लाइफ के अंदर, ये मेरा ऐसा मानना था, जो कि शायद मैं गलत थी। तो सब लोगों का दुखों का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ तृष्णा है, और तृष्णा जो है वो अज्ञानता से आती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, जब तक हम इस आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझेंगे, ये तृष्णा हमारी बढ़ती रहेगी, और तृष्णा अगर बढ़ती रहेगी तो हमें दुखों का सामना हर रोज करना पड़ेगा। तो दुखों को कम करने के लिए अपनी तृष्णाओं को खत्म करना होगा। जिस दिन तृष्णा खत्म हो जाएगी, हम ध्यान में चले जाएंगे, परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, या जो हम ध्यान के माध्यम से कुछ कर पाएंगे, हमारी तृष्णाएं भी धीरे धीरे जो है सूक्ष्म होती चली जाएगी, और जैसे तृष्णाएं सूक्ष्म होगी हमारे दुख भी सूक्ष्म हो जाएंगे। तो इसमें हमारे को सबसे ज्यादा जो काम करना है वो तृष्णा को कम करना है, और तृष्णा कम सिर्फ होगी जब हम ज्ञान को बढ़ाएंगे। जब हमारा आत्मज्ञान जो है वो बढ़ने लग जाएगा तो हमारा जो है ध्यान लगने लग जाएगा, हमें चेतना आने लग जाएगी, चेतना आ जाएगी तो हमारा ब्रेन जो है मोर एक्टिव हो जाएगा, और ये समझने लग जाएगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, जो यही मेरा दुखों का कारण है। तो व्यक्ति बहुत लिमिटेड उसमें आ जाता है। अब आता है दूसरा सिद्धांत, जन्म पूर्व जन्म का सिद्धांत। इस बारे में तो शायद इतने जो मास्टर्स बैठे हैं, मैं तो नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ, सारे के सारे मेरे तक गाने पढ़ रहे, हाई क्लास पढ़ रहे हैं, और मैडम वर्गे पीएचडी कर रहे हैं, तो इस बात का मन इतना ज्ञान नहीं है, तब मेरे तक ज्यादा जानो हो, लेकिन आज मैंने बोलने का मौका मिला है तो दो चार लाइन मैं भी बताऊं। हम बार बार जन्म लेते हैं, शायद हजारों बार जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद क्या सीखते हैं? जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, यही प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जन्म लेते ही रहेंगे जब तक एक बुद्ध, पतंजलि, रमण महर्षि नहीं बन जाते। इसी को जन्म को जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। हम इस भौतिक शरीर को तब तक बार बार धारण करते रहेंगे जब तक कि हम संपूर्ण सत्य को जान नहीं लेते, तब तक कि हम अपने आप के सत्य विज्ञान को अनुभव नहीं कर लेते। तो जन्म और मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म का ये जो चक्कर है, जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये ज्ञान नहीं आ जाएगा, भाई जीवन जिए हैं तो मरा भी गए, और मर के फिर जन्म लेना है, उस जन्म ना लेना पड़े, और लेना पड़े तो ऐसा लेना पड़े, उस खातर हमने अभी तक अभ्यास करना पड़ेगा। और उस अभ्यास का माध्यम जो है एक सिर्फ जो मात्र है, जो ध्यान है। ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, जब तक सत्य की पहचान नहीं कर लेंगे आप। हो सकता है आज से पहले हम किसी दूसरी योनि में थे, पशु थे, पक्षी थे, कोई चींटी थे, पता नहीं कह रहे होंगे, लेकिन हम बार बार भौतिक शरीर में आ रहे हैं, परंतु आज तो हम इंसान हैं, आज तो हमारे पास वो शरीर है जो सोच सकते हैं हम बैठ के, ज्ञानी लोगों के बीच में बैठ के, सत्संगत के बीच में बैठ के, और हमारा ब्रेन भी एक डिफरेंट मैसेज देता है कि अरे तेरे को ज्ञान है, तू अभी सुधर जा, अभी कुछ ना कुछ विचार कर, ताकि तेरा रास्ता जो है, अगला रास्ता तेरा आसान हो जाए, वो रास्ता कोई भी हो, लेकिन हमें अपनी आंखें खोल के इस पुनर्जन्म से छुटकारा पाने का सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञान है कि हमें अपने रास्ते को समझना होगा, हमारे ज्ञान को बढ़ाना होगा। अगर हमें जीवन मिले, फिर मनुष्य का अगर जीवन मिले, अभी मिला हुआ है, लेकिन अगर हमें मनुष्य का जीवन मिले
तो हम ऐसे रूप में आए, अब अगर ध्यान करेंगे, समझ जाएंगे, चेतना अगर हमारी जाग जाएगी, तो हम ये प्रार्थना करें कि अगर हमारे जीवन में अगर दोबारा हमें जीवन लेना पड़े, मनुष्य रूपी जीवन में अगर आना पड़े, तो हम ऐसा जीवन लें ताकि इस समाज को, देश को कोई ना कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमारा मनुष्य का जीवन मिले। जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, ये सब हमारे जीवन में कोई जुड़ी हुई नहीं है चाहिए। हमारे संत जैसा स्वभाव होना चाहिए ताकि हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकें। ये हमें सिर्फ और सिर्फ निश्चित जो है साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब तीसरा सिद्धांत आता है कर्म और कर्म फल। सेल्फ रियलाइजेशन करने के सिर्फ कुछ ही नुस्खे हैं जो संगीता जी ने पाठ्यक्रम के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है, और अब हमें चेतना इस बारे में आनी भी चाहिए। जो भी आप करते हो, इसका परिणाम पढ़ना ही पड़ेगा, यह नियम को जानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भोजन खाते हो तो उससे मल बनकर बाहर निकले हीगा। अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है। आप अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको भी वो नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरों की सहायता करते हो तो किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता भी जरूर होगी। आप अपने द्वारा किए गए कारणों के परिणाम के नियम से बच नहीं सकते। कर्म सिद्धांत जो हमें समझना चाहिए, जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल भरना ही पड़ेगा। ये 100% सत्य है। बहुत से ज्यादा उदाहरण है इसके बारे में, और हर रोज हम अपने जीवन में इस चीज से रूबरू भी होते हैं। बहुत बार सोचा, और आपके विचार भी आते होंगे कि हाँ, ये बात सुनने से पहले भी और बाद में भी, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। क्योंकि जो आदमी आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है उसको छोटा छोटा ज्ञान हर व्यक्ति को होता है, क्योंकि ये समझ जो है हर इंसान के पास बहुत अच्छी है। किसी की स्लो काम करती, किसी की तेज करती है, लेकिन आध्यात्मिक जो पुरुष या स्त्री होते हैं उनको इस चीज का इंट्यूशन ज्ञान जो है जरूर होता है इस चीज का। जैसे कोई कैसे रिवर्स होती है, कैसे बाउंस बैक करती है सारी चीजें, मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस चीज के अंदर। बहुत सी जीवन में मेरे साथ घटनाएं घटती है, यह सब इंसानों के साथ घटती है। मान लो मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ, या मेरा कोई सबॉर्डिनेट है, या घरेलू महिला है, उसका कोई नौकर है, या कोई ऐसा जरूरतमंद इंसान है जो आपके दरवाजे पे आके कोई ना कोई चीज की मदद मांगता है आपसे, जिस फील्ड में आप सामाजिक फील्ड में काम करते हो, लेकिन आप उसको अच्छा उत्तर ना देके, अच्छे व्यवहार ना करके आप उसको बहुत गंदे तरीके से पेश आते हो, उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, तब उस व्यक्ति की, आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोल रहे, उसकी आत्मा उससे बहुत कुछ सुन रही होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का ओहदा इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको पलट के जवाब दे पाए। उसे नौकरी जाने का डर है, उसकी शिकायत होने का डर है, उसकी सैलरी कटने का डर है, या उसको लगता है कि हाँ से मेरी मदद नहीं होगी। तो सो मैनी कारण होते हैं जिसके कारण वो आप कहीं न्यू नहीं कहेगा, मैडम जी मैंने जो कुछ कह दिया तो अच्छा तेरा भी न्यू हो जाओ, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। परमात्मा ने उसको इस हमारे पास खड़ा करके, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है वो व्यक्ति आपके नीचे खड़ा है और आपको ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि कुछ समय के बाद, मैं भी देर सवेर हो सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद वही बात, ये ट्रायंगल बन रहा है, वही बात वो व्यक्ति जो नहीं कह पाया, तीसरा व्यक्ति हूबहू वही बात आपके पास आज नहीं तो कल जरूर, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आपके पास जरूर पहुंचा देगा। अगर ऐसा एक्सपीरियंस शायद आप लोगों का जरूर हुआ होगा कि जो बात हम डायरेक्ट हमें कोई नहीं कह पाता, तीसरा व्यक्ति हमें जरूर कहलवा देता है कि हाँ हमारा जो है हिसाब किताब यही हो जाता है कि आपने कब ऐसा उसको बोला था। वो जवाब नहीं दे पाया लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको जवाब दे दिया। तो सारा का सारा जो खेल है, अच्छे बुरे कर्म जो है हमेशा जो है बाउंस बैक होते हैं। मैं तो कहती हूँ आप संसार के अंदर अच्छाइयां करते हो, आपके पास अच्छाइयों का टोकरा वापस बहुत सुंदर तरीके से आ जाता है, लेकिन वही अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसका भी जो टोकरा है वो तो और भी जड़ा डबल होके आता है। तो मैं कहती हूँ कि शालीनता से, चेतना से अपने कर्मों को, हर व्यक्ति को बहुत सुंदर करना चाहिए। प्रारब्ध के कारण हो सकता है किसी व्यक्ति की स्वभाव कैसा होगा,
कोई व्यक्ति कैसा होगा, लेकिन जब अगर चेतना आ गई, संगति अच्छी है, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना, एटलीस्ट उन लोगों को तो जरूर समझना चाहिए। और मेरा हर रोज ये प्रयास रहता है कि मैं किसी भी जानकार को, किसी को भी, जब भी कोई ऐसा बुरा व्यवहार करता है, शायद हो सकता है कई बार मैं उसको बोल नहीं पाती, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको जरूर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि नहीं, प्लीज की भावना, सुंदर व्यवहार की भावना इंसान के खून में होनी चाहिए, रग रग में होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर शालीनता आती है और शालीनता आपकी सुंदरता को बढ़ाती है। अब चौथा सिद्धांत है पुरोगमन सिद्धांत। इसका मतलब आप कुछ करें या ना करें, आप लगातार विकसित हो रहे हैं, क्योंकि आप जो जन्म लेके आए हैं, बहुत सी चीजें आप अपने साथ लेके आए हैं, आप प्रोग्रेसिव तो रहोगे, उसके साथ साथ लगातार आत्मा के अनुभवों में भी विकास होते रहेंगे, कर्मानुसार वृद्धि भी होती रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे आप एक परीक्षा देने जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको 100 अंकों में से फिर 20 अंक मिलते हैं, तो आपको सिर्फ 20% ज्ञान हुआ। और जब आप एग्जाम के बाद अंकों में आपने ज्ञान के बारे में जानकारी मिली, कि परीक्षा से पहले तो आप नहीं जानते थे कि मुझे 20% अंक मिलेंगे, जब 20% अंक मिल गए तो 80% के बारे में आप नहीं जानते। जो नहीं जानते उसको जानिए। जो आपको मालूम हो गया कि मुझे 20% मिले, 80% अभी भी हिडन है, छुपा हुआ है, तो उसको जानने की कोशिश कीजिए ना। उसी 80% में से आपको कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। असफलता कहीं पर है या नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ रहा है, और हम दूसरों को कोसते रहते हैं कि वो फेल हो गया। कोई कुछ कुछ लोग जल्दी जल्दी सीखते हैं, कुछ कुछ लोग धीरे धीरे सीखते हैं, बस इतना ही है, लेकिन सब लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है कि लोग अपने अनुभवों के आगे नहीं बढ़ रहे, वो कुछ और करें या नहीं। अगर आप सपोज करो एक व्यक्ति शराब पीता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, शराब पीने से उसकी मृत्यु हुई, उस व्यक्ति को पता है अगर तू शराब पीता नहीं पीता तो शायद नहीं मरता। उस शराब पीने से उसकी मृत्यु ने उसको एक सबक सिखा दिया कि ये बुरा कर्म किया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वो तो चला गया, उसके परिवार को तो सबक मिल गया ना, ताकि अगली जनरेशन उसके पास जो बैठी है वो ऐसा बुरा कर्म नहीं करेगी। काम करने के बाद ये सब नहीं जानते कि अच्छा क्या है या बुरा अनुभव नहीं होता, लेकिन काम करने के बाद जानकारी हो जाती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। जब एक्सपीरियंस हो गया आपको कि ये करने से गलत होगा, ये करने से अच्छा होगा, तो मेरे को लगता है कि इंसान को वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। सबक लेने से ही, एक गलती से ही आदमी दोबारा गलती रिपीट नहीं करता। और मेरा मानना है कि अगर आदमी अगर एक बार गलती करता है, अगर बार बार वो बात रिपीट करता है, तो इसका मतलब वो आदमी, उसकी आत्मा या उसको आत्मज्ञान ही नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीट करने वाले व्यक्ति की चेतना नहीं जागी होती। चेतना जागे हुए व्यक्ति कभी दोबारा गलती नहीं करता, उससे सीखता है। प्रत्येक अनुभव से हमें ज्ञान मिलता है, क्योंकि तीन तरह के अनुभव होते हैं। पहला अनुभव है जीवन के अनुभव, वो कि हमें जागृत अवस्था में है, जैसा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते हैं, कभी किसी से, कभी अपने से, किसी दूसरे से, तो हमें जीवन पर्यंत जो है जागृत अवस्था में जीवन के अनुभव होते रहते हैं। दूसरा है स्वप्न के अनुभव। स्वप्न अवस्था में भी जो हमारे मास्टर्स होते हैं, जो हमारे जो सोल्स जो हमें छोड़ के चली गई है, या हम कोई ना कोई, हमारी सोल जो है हमारी अच्छी सोल्स के साथ कनेक्ट होती है, अच्छी संगत के साथ कनेक्ट होती है, या हमारे मास्टर्स के साथ कनेक्ट होती है, या स्पिरिचुअल में थोड़ा बहुत, उनको हमेशा कोई ना कोई स्वप्न में जो है अनुभव होता रहता है। तीसरा है ध्यान के अनुभव, जागृत सुषुप्ति अवस्था। इसके अंदर भी, तीसरी अवस्था में भी, आपको जब ध्यान करने लग जाते हो, तो ध्यान के माध्यम से आपको बहुत कुछ जो है अनुभव होने लग जाते हैं, जैसा कि संगीता जी ने आजकल हमें सिखाना शुरू कर सकते हैं। हम तीसरी अवस्था में आते हैं, हर रोज क्लास लेते हैं, छोटा मोटा अनुभव होता है और फिर हम अपने अनुभव लिखते हैं। तो संगीता जी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर हमारे को ये सब करवाने का। इन तीनों तरह के अनुभवों से आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, इसी को लगातार आगे बढ़ते रहने को सही सिद्धांत कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। लोगों को इस आध्यात्मिक सिद्धांतों की जानकारी न होने से अपने जीवन में
यह दुख है समझकर रोते रहते हैं, रोने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर घटित हो रहा है, दुख का कोई कारण ही नहीं है, हम सब आत्माएं हैं और हम सब जो है, अब जो मैंने सीखा कि हम सब भगवान हैं, हम सब अपने कर्मों का भुगत रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, इसको पुरोगमन सिद्धांत कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया जीवन में, मेडिटेशन नहीं की, ना कभी आध्यात्मिक रास्ते पे चले, ना लोगों के पास बैठे, अच्छी संगत नहीं की, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें आपके मेरा मानना है और कि पूर्व जन्म के जो आपके प्रारब्ध के जो कर्म आप लेके आए हो बहुत अच्छा किया होगा, जो कि आपका बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, तो उसके वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो चल रहा है, हर रोज बढ़ रहा है आपका। अभी तक जैसे कि आपने सोचा आपके हिसाब से नहीं हुआ, मैंने सोचा तो ये था मुझे ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ, सो जो मैं ये कहती हूँ कि जो हो रहा है उसको होने दो, अपने तरीके से उस फ्लो को जाने दो। हम जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक पात्र है, वो खाली पात्र है, और हमारी सुप्रीम पावर जो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से बहुत कुछ उस खाली पात्र में डालना चाहते हैं कि भाई ये पात्र खाली होगा, चलो इसको अच्छी अच्छी चीजें दे दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो आंखें बंद करके अपने विचार जो है उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट करके हम उस पात्र को भर रहे हैं, वही जो पात्र हमारे विचारों से भरा वही वापिस हमारे जीवन में रूबरू हो गया, वही हमारे जीवन में एग्जीक्यूशन में आ गया। तो हम सब लोगों का क्या करना चाहिए, जो पात्र खाली है विचारों से उसको खाली रखो। इसीलिए हम ये ध्यान कर रहे हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे 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 हमारे विचार जो है कमजोर या कम होते चले जाते हैं, जैसे विचार कम हो जाएंगे हमारा पात्र खाली हो जाएगा, और फिर देखो जब पात्र खाली हो जाएगा तो ये पात्र हमारे जो परमात्मा है कैसे आपको भर के देते हैं, और वो इतनी शायद हम सोचते भी नहीं, वो इतनी सुंदर जीवन में हमारे को घटनाएं अच्छी चीजें देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, या जो भी आपको मिलने वाला है उस पात्र में भरी हुई चीजों से आपके पास वापिस आएगा। तो इसलिए हमारे विचारों को कम करके, हमारे विचार उस पात्र में ना भर के, ताकि उन विचारों को ही हम सर्कल में लाते रहें, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब पांचवा सिद्धांत है योग सिद्धांत। उदाहरण के लिए आप ध्यान करते हैं, आप आध्यात्मिक मास्टर की किताबें भी पढ़ते हैं, जैसे कि टारकाम, सारा डायरियन, एनी विसेंट, रमन महर्षि, आप ऐसी वर्कशॉप्स और मीटिंग में भी जाते हैं जहां आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में ज्ञान मिलता है। ऐसा करने से आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपनी तरक्की कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सज्जन संगत करने से आप दुख के भवसागर से पार हो जाते हो, इसलिए आपके अनुभव जैसे भी हो उनको सज्जन व्यक्तियों के पास साझा जरूर करना चाहिए, इसी को ही योग सिद्धांत कहते हैं। हर आदमी को ये स्वभाव बनाना चाहिए कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों में, जानकारों में उनके साथ साझा करूं। इसके अलावा खाली आप मेडिटेशन स्पिरिचुअली नहीं, आपके पास कोई अच्छा ज्ञान है, ऐसी चीजें हैं, मान लो आपको किसी सांसारिक उनसे आपको कोई ज्ञान मिला, तो आप अपने दोस्तों में, अपने जानकारों, हो सकता है उस आपके ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को फायदा हो जाएगा। आपको कोई भी टिप्स मिलती है वो साझा करो, आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड आपके पास कोई अच्छा मटेरियल है या कोई ज्ञान है वो साझा करो, हो सकता है उस व्यक्ति की आपको बताने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, आपके ज्ञान से उसको फायदा मिल सकता है। तो जीवन के अंदर कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, आप जितना इसको बढ़ाओगे, जितना बांटोगे, इतना ही आपके पास बढ़ता चला जाएगा। आप 10 चीजें बताओगे, आपको हफ्ते के बाद देखोगे तो 10 चीजें आपके दिमाग में और आ जाएगी। तो ये आप जो दायरा जो है विस्तार भी करो बताने के लिए और साझा भी करो। इसी के अंदर जैसे कि राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये जो चारों योग हैं, योग का अर्थ है आपके जीवन का विकास तीव्रता से आगे बढ़े, कर्म योग है कि आप सेवा करते रहें, राजयोग है कि आप ध्यान करते रहें, भक्ति योग है कि आप श्रद्धा से किसी का अनुसरण करें।
हमारे जीवन का पूरा जो निचोड़ है ना, इन चारों के इर्द गिर्द घूमता है। ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी अगर ज्ञान की अवस्था में आ जाए तो ये चारों का जो है, हमारा जो है पूरा काम, पूरा सारांश जो है इसी के अंदर है। इसी से हम बहुत कुछ सीख के आध्यात्मिक रास्ते पे और आगे हम बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्हीं का एक उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो किसी किसी शहर में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसने उससे कार में लिफ्ट मांग ली, वो उसका क्या है, भक्ति योग है। और मैंने कुछ भी नहीं कहा और दूसरे व्यक्ति ने आके मेरे पास गाड़ी रोक दी, कहते हैं हाँ भाई साहब क्या आपको मेरे साथ चलना है, और मैंने आग्रह किया, तो ये क्या हो गया उसका, ये फिर भक्ति योग हो गया। जैसे मीराबाई ने कृष्ण जी को कहा और हाथ पकड़ा, कृष्ण ने कहा चलो मेरे साथ आओ, इसलिए ये योग का अर्थ है। अपने जीवन के विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। कोई भी योग करें, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, लेकिन कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आपको शारीरिक क्षमता दी है, दिमाग दिया है, हाथ दिए, सब कुछ तो करने के लिए दिया है, जो आपकी क्षमता है वो जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि संगीता जी 8 घंटे ध्यान कर रही है, आज ही मैं 8 घंटे में ध्यान में बैठ जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन संगीता जी को फॉलो करने के लिए मेरे अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि मैं 8 घंटे ध्यान में जरूर बैठूंगी। आपकी परिस्थितियां कैसी हैं उनके अनुसार आपको कुछ ना कुछ कार्य जो है करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। जैसे PSSM ध्यान स्वाध्याय सज्जन संगत सिखाकर योग सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं, PMC चैनल के माध्यम से कर्म सिद्धांत पिरामिड मास्टर्स के अनुभव को रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाकर इस सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारे पिरामिड चैनल्स और ये जो संगीता जी, पत्री सर जी जो ये कार्य कर रहे हैं, शायद इसका कोई दूसरा सानी नहीं है, इसके मुकाबले में कोई दूसरा ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदमी, 2 सेवाएं होती हैं, सबसे पहले मान लो कि दैया जी मैडम के पास 50 रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, मुझे जरूरत पड़ी, मैडम से मांगा, मुझे दे दी, वो भी एक सेवा है। और मैडम को किसी की जरूरत पड़ी कि भाई वो वहां पहुंच रहा है, उस व्यक्ति को तेरी मदद की जरूरत है, वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, वो अपनी शारीरिक रूप से उसकी सेवा दी, ये भी एक सेवा है। लेकिन जो संगीता जी, पत्री जी या जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं, जो ये सब को ज्ञान दे रहे हैं, उससे बड़ी सेवा इस दुनिया में हमने सुनी नहीं या हमें ज्ञान नहीं है। तो आई थिंक सो सबसे बेस्ट और बेस्ट काम आप भक्ति के ऊपर संगीता जी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। 6ठा सिद्धांत आता है, अनेकानेक सिद्धांत। सवाल यह है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए, आपके जीवन में कितने तारे हैं आसमान में, आपने कितने बुरे कर्म किए अपने जीवन में, आपने कितने जन्म लिए धरती पर, यह सब आप निर्भर है। कितनी आकाशगंगा है ब्रह्मांड में, कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, ब्रह्मांड के कितने आयाम है, प्रत्येक चीज अनंत और असीम है, यही अनेकानेक सिद्धांत है। तुम ब्रह्मांड को अनंत और शाश्वत हो, हम सब सदा सदा के लिए शाश्वत हैं, हम सब पहले भी मिल चुके हैं, हम अनगिनत जन्म ले चुके हैं, अनगिनत कर्म कर चुके हैं, अनगिनत कर्म करेंगे, यह सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। सब कुछ अनादि और अनंत है, न आदि है न अंत है। किसी व्यक्ति को एक जन्म देखकर आप उसके प्रति फैसला नहीं सुना सकते, इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आपको कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपको कभी भी किसी के बारे में जज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, उसने पर्सनैलिटी से आपको बहुत ज्यादा कोई आकर्षित नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं है उस आदमी के पास ज्ञान नहीं है। आप अगर उसके पास बैठोगे तो हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार। तो कहते हैं कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए इंसान को, आप कैसे लग रहे हो वो मेरी आत्मा है, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं कैसी लग रही हूँ वो आपका तो काम ही नहीं है ना सोचने का इस विषय में। तो
हमारे जो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि कभी भी इंसान को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम किसी को देखते हैं, शरीर के स्वरूप को देखकर हम किसी को जज ना करें। अगर आप अनेकानेक सिद्धांत को समझ जाएंगे तो किसी के बारे में बेकार की बातें भी नहीं करेंगे। हम आदि और अनंत हैं, आप जान जाएंगे कि हम सब भगवान हैं। हम ध्यान को नहीं जानते, हम कार्य सिद्धांत को नहीं जानते, हम जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं जानते, हम करुणा नहीं जानते। जब करुणा नहीं जानते तभी तो हम मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। जैसे ही आप ध्यान जगत में आते हो, आध्यात्मिक जगत में आते हो, इस रास्ते पे चलते हो, तो आपका जो दिल है उसके अंदर आपके अंदर करुणा भर जाएगी। आप बहुत ही दयावान इंसान हो जाओगे, और जैसे ही आप दयावान इंसान हो जाओगे किसी दूसरे का दुख नहीं देख पाओगे। अगर आप उसके आंसुओं को देख के रोओगे नहीं तो आपका हृदय जरूर भारी हो जाएगा। और आध्यात्मिक रास्ते वाले चलने वाले इंसान का धीरे 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 जो है, अगर वो मांसाहारी है तो वो भी शाकाहारी हो जाएगा। और शाकाहारी भोजन जो है हमेशा जो है हमारी आत्मा की तृप्ति के अलावा हमारे मानसिक शारीरिक, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बहुत से लोग मांसाहारी भी हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में है कि अगर हम शाकाहारी हैं तो हम 24 घंटे जहां भी बैठेंगे शाकाहारी भोजन की बात करेंगे। उससे लगता है कि आपके सात्विक विचार होते हैं, शरीर भी आपका अच्छा रहता है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी तो मांसाहारी व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है, वो अपने हिसाब से जो चाहे कर सकता है। पूरी धरती पर सब जो आत्मा ज्ञान के रास्ते पर है वो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, यही सत्य है। हम सब सत्य को जानने के लिए आए हैं, हम सबको अपना उद्देश्य जानना ही चाहिए। ध्यान ध्यान से पहले सबको, मान लो कभी ध्यान में नहीं आए थे और ये सोचते थे कि ओहो ये तो बहुत ही खराब आदमी है, जबान से भी गलत बोलते थे और इसने मेरा ऐसा कर दिया, हम दूसरों को ब्लेम ही करते रह जाते थे कि इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया और इसने मेरा बहुत बुरा कर दिया। लेकिन शायद हम ये ऐसा कहकर गलती करते हैं। कोई किसी के लिए गलत नहीं करता। हमारे प्रारब्ध के कर्म, हमारे अपने किए हुए कर्म, ये सब हमारे को ऐसा करने पे मजबूर करते हैं या ऐसी हमारे को भावना पैदा करते हैं। अदरवाइज अगर आप ध्यान के माध्यम में आ जाओगे, अगर आपको ज्ञान आ जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, अपने कर्म हमारे ही ऐसे कर्म है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसे ऐसी गलत चीजें हो रही है, या हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो, या मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हर चीज का जिम्मेदार इंसान को खुद ही समझना चाहिए। तो ये जो है 6 हमारे सिद्धांत थे जो कि मैंने आपके साथ साझा किए, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा, फिर मैं ये कहूंगी कि मैं फिर नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत की मेरे सीखने का तरार ही हूँ, और मैं जिस दिन मैंने या कुछ भी मिल जाए वही मेरा पहला दिन होता है, उसी दिन मैं सीखना शुरू करती हूँ। मेरे को ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, अगर मने ज्ञान हो गया तो मैंने सीखने की जरूरत कड़े रहेगी, तो मैं बिल्कुल आज भी अज्ञान हूँ, क्योंकि आज जो मैंने सीखा उसके आगे सीखने के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ इसमें। तो जितना भी मैंने पढ़ा आज आपके सामने किया, इससे थोड़ा ज्ञान मिला, कल नया दूसरा ज्ञान करने के लिए हम फिर कोई ना कोई और बात सीखेंगे, तभी हमारा ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे ध्यान के बारे में हम सारा दिन, आजकल हमारा यही टॉपिक रहता है कि ध्यान लगाओ, ध्यान करो, ध्यान से। ध्यान के बारे में ये धारणा कि आजकल हर व्यक्ति जो है ध्यान सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि जो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पूरे संसार के साथ आई है, जो कि व्यक्तियों को घर में रहना पड़ गया, इससे जो हम सब लोगों ने महसूस किया कि शायद कोई चीज जो आती है वो गलत एक टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग मोमेंटरी जरूर गलत लगती है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कि मैंने कि मैं अच्छा कारण हुआ है। तो आप हर घर में जाके देखो, हर व्यक्ति से बात करके देखो, बच्चे से बात कर दो, भाई वो कि मैं ध्यान का माध्यम तो नहीं चुन रहा होगा, लेकिन जोत बत्ती जरूर लावा है, माँ बाप के पैर जरूर छुआ है, क्योंकि उनके पास बैठ और स्पिरिचुअल ज्ञान की बात भी जरूर करा है,
और जिनके घरों में आध्यात्मिक माहौल है उनके बालक तो पहला तक सीख रहे हैं, लेकिन इस 7-8 महीने के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। ऐसा हम एक दूसरे से मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो एक दूसरे के विचार जब शेयर करते हैं तो वो बोलते हैं कि निवेदा उठाया हमने, इसको आध्यात्मिक रास्ते दे। तो इस तरह न्यू लागा है कि पूरा संसार ही आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ा है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। तो इससे जो हमारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है शायद वो बहुत गुना बढ़ गई है। संसार के अंदर, इस धरती के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, क्यों आप की बात करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ध्यान आवाज चली गई है सुमित जी। मैम शायद नेटवर्क का इशू है राधा मैम का। आवाज आ रही है सुमित? सुमित आवाज है? मैम एक्चुअली उनका नेटवर्क का इशू है। हाँ तो सरिता मैम बोलेंगी। जी ठीक है मैम, वैसे राधा मैम साथ होते सुनते तो और ज्यादा मजा आता। मैडम ने बोला कि मैं जुड़ जाएंगी मैडम, कोई शुरू में बोले कि मैं हरियाणवी नहीं बोल सकती, मुझे हरियाणवी नहीं आती, और कति चाड़ा फाड़ दिया। एक मानना कि भी मुस्कुराना भी एक तरह से भक्ति का रूप है, भी भगवान की उपासना करना है। और मैडम ने तो मतलब मेरा तो मुंह बंद नहीं होया, इतना हंसा हंसा गए, इतना ज्ञान की बात और इतने साधारण तरीके तरह, इतने हंसी मजाक में इतने बड़ी यात्रियां हमारे तक पहुंचा दी, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। मैडम ने तो कति सच में आज चाड़ा पड़ दिया। दूसरा मैडम ने जो आत्मज्ञान अध्यात्म विज्ञान सिद्धांत बताए तीन, उन पर भी मैं थोड़ा सा हरियाणवी में गौर करना चाहूंगी, आज हरियाणवी में बात करेंगी। मैडम ने बताया कि भी आत्म तत्व का सिद्धांत, मतलब हम ना तो शरीर है ना कोई कुछ और चीज है, सिर्फ शुद्ध चेतना है जो वही हमारा असली स्वरूप है, बाकी तो बेकार की चीजें हैं, और वो शुद्ध चेतना तक हमने पहुंचना है। दूसरा भी तृष्णा, मतलब पहले हम ये सोचा कि भी अध्यात्म में भी हमने संतुष्ट नहीं होना है, या चीज दिमाग में आवे भी अध्यात्म में संतुष्ट हो गए तो फिर आगे ज्ञान क्यों कर मिलेगा। लेकिन मैडम ने ये चीज बताया भी जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हमने ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हमने आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। अरे एक अपनी हरियाणवी में कहावत भी है कि काले सिराले का तो कदे भरता है कोना। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, तृष्णाएं हैं, ये तो कदे खत्म में ना होती। मेरे तृष्णा मेरे बेचारा सारी उम्र कस्तूरी की खोज में भटकता रहे हैं, तुम्हारे दौरे तक वो कस्तूरी हमारे दौरे है, फिर भी हम भटक रहे हैं। तो वो तो हमने ज्ञान ध्यान ही उस कस्तूरी ने प्राप्त कर सके हैं, ज्ञान ध्यान से ही मेरे को इतना समझ में आया पहले सिद्धांत। दूसरा जो भी मैडम ने बताया कि जन्म मरण का चक्कर है, एक मैं अपने साची बात बताऊं, मेरी सास लगे है, चाची सास है, उसने कुत्ता गली में सो रहा था, ऐसा लठ मारा उसको बेचारा, काव काव करता दूर थी बाजे में खाई, यो क्या करा था मैं, बोली यो रात ने भोका है, मेरा पोता जाग गया है। तो मखा पर जन्म में तू भी तेरा भी इसने लठ मारा होगा जब तुम्हारे। तो ये तो जन्म मरण का सिद्धांत है, के पता हम पिछले जन्म में चीटी थे, कीड़े मकोड़े थे, कुत्ते बिल्ली थे, के थे, तो ये चक्कर भी पूरा करना है,
हमने मतलब यो चक्कर पूरा करने के विशेष रूप से जो मानस जन्म है आज के दिन हम मनुष्य बने हैं उसने पूर्ण करना है, उसमें सफलता पानी है कि भी ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करके और लास्ट जो अंतिम हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना है। दूसरा मैडम ने कर्म फल का सिद्धांत बताया भी जिसे कर्म करेंगे वो किसी न किस रूप में, जरूरी नहीं कि भी वो ही बंदा हमने उल्टी वा बात करा गया वो ही हमने कर्म उससे के द्वारा कर्म के फल मिलेंगे, वो किसी दूसरा माध्यम से भी मिल सके हैं, किसी और कारण से भी मिल सके हैं। और जो पुरोगमन सिद्धांत बताया मैडम ने बिना कुछ करे भी आगे बढ़ना, मतलब कि हम चाहे कुछ भी ना करें ध्यान में तो जुड़ रहे हैं, जो जन्म तो हमने मिलता जा रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तीन ध्यान के तीन अनुभव बताए थे मैडम ने, जीवन का अनुभव, स्वपन का अनुभव और ध्यान का अनुभव। जीवन में तो रोज नए नए अनुभव हैं, और जो थोड़े से और आध्यात्मिक लोग हैं तो स्वपन माँ के भी अनुभव हो जाए हैं, सबसे बड़े तो फिर हम जो जिसके खातिर बैठे हैं जो करना हमारा लक्ष्य है ध्यान का अनुभव तो करने ही करने। और दूसरा मैडम ने बताया भी अपना पात्र खाली रखना, ज्ञान हम रोज ले हुए मिला है हमने रोज, लेकिन फिर भी हमने अपना जो कटोरा है वो खाली रखना है, क्योंकि जब वो खाली होगा जब तो उसमें कुछ और गलेगा। तो यह बात मैंने बहुत बढ़िया लगी कि भी अपने आप को मतलब वो बात है जब हमने बोल समझ लिया कि भी हमारे पास ज्ञान है, हमारा कटोरा भर गया तो उड़े घमंड आवेगा, घमंड आवेगा तो फिर उड़े ज्ञान का विनाश है। तो हमने तो अपना ज्ञान का कटोरा हमें ऐसा खाली रखना है। मैडम जिस तरह से अनेक का सिद्धांत है बताया है भी जो भी ब्रह्मांड है दुनिया में जो भी चीजें हैं अच्छे बुरे कर्म हैं जीव जंतु हैं वो अनेक अनेक हैं, उनकी वो मतलब सीमा रहित हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। उन में तो एक आम भी है, हमारा जीवन भी पता नहीं कितने जन्म लेकर आया है। तो एक दूसरा भी जजमेंटल ना बने, किसी ने देखा हम अंदाजा नहीं ला सकते भी इसके भीतर कितना ज्ञान भरा पड़ा है, हम सकल सूरत पर ना जाकर उसकी सीरत पर जावा है वो भीतर तक किसा है उसने किसा ज्ञान है। ये तो मैडम ने आज जो आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांत बताए थे। एक मैडम ने शुरू में और अपने अनुभव की बात करी थी कि भी मैंने जो कैलाश पर्वत पर जब ध्यान लग गया और दरबार के दर्शन हुए तो एक बाबा के दर्शन हुए थे। मेरे को यह चीज ऐसे लग रही है जैसे आप भी बताओ मैडम संगीता भी हम खुद ज्ञान से ध्यान से जुड़े हैं तभी दूसरे लोगों ने भी जुड़े, और जो आज हम इस मंच पर मिले हैं तो कितने ना कितने आत्मा का कनेक्शन जरूर है। तो वो तो खुद मैडम बताने लग रही भी उनके गांव में थे वो बाबा इतने साल पहले तप करा था, तो वो अपने गांव वाले का उत्थान करेगा या नहीं करेगा, तो आज प्रत्यक्ष रूप तो नहीं हो सामने भी एक आत्मा के रूप में स्वपन के रूप में आत्मा का उत्थान करने खातर ध्यान में लगान खातर वो दर्शन दिए होंगे, उनके अनुभव हुए होंगे, ध्यान में आए होंगे। तो मैं तो इस बात में ऐसे ही जोड़ना चाहूंगा मैडम। दूसरा मैडम भी राधा जी के साथ सच में मजा सा आ गया, उनके हरियाणवी सुनकर तो कति घीसा गल गया। मैडम इस घी ना और थोड़ा सा बढ़ा ले हैं क्योंकि दूसरे की थाली में घी गणा दिखा कर मैंने तो थोड़ा सा और घी चाहिए। मैडम विजय सिवाल एक भजन सुना देंगे और भजन के साथ तो घी में और थोड़ा सा घी मिला ले। मैडम विजय आपका स्वागत है, भजन सुनाइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सरिता दैया जी, बहुत ही आनंद आता है आपकी बात सुन के भी, सारा जो निचोड़ है वो दोबारा से आप एक बार फिर रिपीट करके ना कति पक्का कर दो हो, जो कर मैडम वो कटमा पाड़े सिखाया करती ना और हम कति पक्के वो हो जाया करते, वो एक काम आप करो हो तो धन्यवाद। थैंक यू आप सबका, थैंक यू पीएमसी हरियाणवी, माय ऑल मास्टर्स, माय फ्रेंड्स, माय गॉड एंड हार्टली थैंक्स टू डॉक्टर संगीता नेहरा। मैडम आपका आभार व्यक्त करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपने मुझे जो मेरी बाजू पकड़ के यहाँ लगाया है तो उसका ऋण मैं नहीं उतार सकती, और आभार शब्द बहुत छोटा पड़ता है मैडम उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने 18 साल पहले राधा मैम की तरह मैं भी 23 वर्ष की आयु में ही जो है ना जॉब पे आ गई थी, 18 साल पहले मैंने अध्यात्म ग्रहण किया था और मेरे गुरु ने एक ही बात कही थी कि बेटा 2.5 घंटे भजन सिमरन मेडिटेशन
वादा करो मखन जी, करूंगी सर, करूंगी गुरु जी, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैंने इन 18 सालों में कदे आधे घंटे तक ऊपर बैठ के नहीं देखा। और मेरी आत्मा हमेशा अनुकूल मुलाती रहती है कि विजेस्तु वादा करके आई है, मैं फोटो में गुरु जी के दर्शन करती तो मैंने ऐसा उनका फेस कति सैड दिखता, उदास कति, और मैंने नुआ बास होता मेरे कारण उदास है कि भाई बेटा तने वादा कराया था वो तो कुछ नहीं कर रही। और फिजिकल भी दर्शन जब होते हमने तो मेरी कदे नजर नहीं मिली, मेरी आंख नीचे रहती, आंखा में ताविरल धारा बहती रहती, मैं रोती रहती, मैं इतनी बुरी हूँ गुरु जी के भाई मैं सॉरी भी बोल दूं रोज, अकाल करूंगी परसों करूंगी, कुछ नहीं कर पाती। वो 2.5 घंटे का तो शायद इस जन्म में मेरे पे ना हो। तो इसी परेशानी में मेरी आत्मा की कशिश में मैं जो है ना परेशान रहा करती। यो मन इतना तेज है, इतना चालू आदमी है, यो मन इतना बहुत बड़ी शक्ति है, बेरा क्या कहता न्यू कहता ना ना, तो वर्किंग लेडी है, घर का काम भी सारा करना पड़ा है, इतना ही बतेरा कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा की खुराक तो जब तक ना मिला वह भूखी रहेगी। तो बस जी, जब मैडम मेरे पास आई कुरुक्षेत्र में, देखो परमात्मा ने जरिया बनाया, मैडम आई प्रोग्राम के लिए, मुझे जो है ना इनवाइट किया है और मेडिटेशन से जोड़ा। जिस दिन से इस मेडिटेशन में जुड़ी हूं ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितनी संतुष्ट हूँ। आत्मिक रूहानी जो शांति होती है, खुशी होती है, वो मैडम के कारण मुझे मिली है। इसीलिए मेरी आभार नहीं कहूंगी मैं, मेरी इतनी शुभकामनाएं मैडम के साथ हैं कि परमात्मा जो लक्ष्य उन्होंने उठाया है ना, जो उनका टारगेट है, वो बहुत अच्छे से अचीव करें। और हम भी कोशिश करेंगे कि मैडम आपके साथ खड़े होने की, इस लायक है नहीं लेकिन कोशिश करेंगे, हमें भी अपने साथ रखना, बाजू पकड़ के जैसे बांह पकड़ के इतना ही रखी है। तो कहना तो बहुत था लेकिन सुमित जी ने कहा था बस 10 मिनट हैं, तो मैं आज बस इतनी बातें कह के बाकी फिर कदे कहूंगी। इब आपके सामने मैं एक भजन प्रस्तुत करूंगी और वो भजन मैंने भाई कन्हैया लाल जी से प्रेरित होके सोचा कि भाई मैं जो ना भाई कन्हैया लाल ये क्या कृष्ण जी के भगत इतने हैं, इतने प्रेम भरी वाणी से जो है ना अपना वो करते हैं, लेकिन मैं सोचती ना हर बार जो मैं चाहती वो चीज जो है ना कोई और बोल देता, लेकिन मैं अपनी 2 पंक्तियों में बताऊंगी उस चीज का वो कि अनायास ही बह आते हैं कुछ शब्द जबा पर, अनायास ही बह आते हैं कुछ शब्द जबा पर, अक्सर आंखें ही तो मुकम्मल बयां करती हैं। तो मैडम मैं अब अपना भजन जो है ना आपके सामने रखती हूँ। कन्हैया भाई आप जो है ना हमेशा राधा को और गोपियों को ही टारगेट रखते थे, तो मेरे को बड़ा महसूस होता था कि भाई इनकी एक अनन्य भगत जो है ना मीराबाई जी भी है, उनका नाम बहुत कम लिया होगा या मैंने नहीं सुना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर 3 आदमी काम कर रहे हैं तो एक को क्यों बीच में छोड़ दिया, मैं उसने जरूर उठाकर आगे लाने की सोचा करूं, चाहे वह निर्जीव वस्तु हो, चाहे वह दीवार हो, चाहे वे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे बंदूक की गोली हो, अगर उसने कुछ करा तो उसको भी सामने लाना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना एक भजन जो है ना कोशिश करूंगी गाने की, उनके जैसा सुरीला स्वर तो मेरा नहीं है, और पर अपने बहन भाइयों से सभी से मेरा निवेदन है आके थोड़ी कोशिश कर लियो, अगर कुछ गलती हो जाए तो कति माफ कर दियो मैंने दिल तक। तो बाणी मीराबाई जी, तुम पलक उघाड़ो दीनानाथ, हूँ हाजिर नाजिर कब की खड़ी, तुम पलक उघाड़ो दीनानाथ, हूँ हाजिर नाजिर कब की खड़ी, साहू थे दुश्मने होए लागे, सबने लगूं कड़ी, साहू थे दुश्मने होए लागे, सबने लगूं कड़ी, तुम बिन साहू को
डिगी नाव मेरी समंदर हाजिर नाजिर कब की खड़ी तुम पल के उघाड़ो दीननाथ हूँ हाजिर नाजिर कब की खड़ी दिन नहीं चैन रात नहीं निंदेरा दिन नहीं चैन रात नहीं निंदेरा सुखों खड़ी खड़ी बाणे बिरहा के लगे ही आ मैं बाणे बिरहा के लगे ही आ मैं भूलू ना एक घड़ी हाजिर नाजिर कब की खड़ी तुम पल के उघाड़ो दीननाथ हाजिर नाजिर कब की खड़ी पत्थर की अहिल्या तारी पत्थर की अहिल्या तारी बनके बीच पड़ी कहाँ बोझ मीरा मैं कहियो कहाँ बोझ मीरा मैं कहियो सो ऊपर एक धड़ी हाजिर नाजिर कब की खड़ी तुम पल के उघाड़ो दीननाथ हाजिर नाजिर कब की खड़ी गुरु रैदास मिले मोहे पूरे गुरु रैदास मिले मोहे पूरे धुर से कलम भिड़ी धुर से कलम भिड़ी सतगुरु शरण देई मोहे आके सतगुरु शरण देई मोहे आके ज्योत मैं ज्योत रली हाजिर नाजिर कब की खड़ी तुम पल के उघाड़ो दीननाथ हाजिर नाजिर कब की खड़ी धन्यवाद बहनों बहुत बढ़िया भजन सुना मिर्जेस मैम जी और मतलब सही बात करी आपने जब सारे भगत है तो प्रशंसा तो सबकी होनी चाहिए प्रशंसा के भाई हम तो कौन है प्रशंसा करनी है तो याद तो सब ने करना चाहिए तो आज आपने मीरा जी को भी याद करवा दिया और दूसरा मैम संगीता मैम एक शब्द जो है हाजिर नाजिर ये कई बार सुना मैंने नाजिर शब्द में लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाती मैं शायद औरों का भी ये प्रश्न हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मेरे को अच्छा लगेगा संगीता मैम इस शब्द का अर्थ जो मेरी छोटी सी बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई हाजिर नाजिर यानी कि मैं जो जिस भी रूप में हूँ जो भी मेरी शक्ति है या मेरे मैं जिस भी मतलब जितनी भी औकात है मेरी उसी को लेकर मैं अपनी सारी शक्ति और प्रेम को लेकर आपके प्रति समर्पित हूँ हाजिर नाजिर कब की खड़ी कि अपना सब कुछ लेके अपना जो भी मेरा अस्तित्व है वो आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है मैंने आपके चरणों में रखा हुआ है और मैं आपके चरणों में खड़ी हूँ चाहे ठुकरा दो या प्यार करो धन्यवाद विजेश मैम जी संगीता मैम सारी बात होली है लेकिन तक ध्यान पूरा ध्यान नहीं होगा तो कार्यक्रम भी पूरा नहीं होगा चाहे 5 मिनट का करवा दो थोड़ा सा ध्यान जरूर करवा दो
अभी बिल्कुल अभी करवाते हैं ध्यान। बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी आज। सबसे पहले तो राधा मैडम का थैंक यू करते हैं, क्योंकि जो ये योग सिद्धांत बताए ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक ऐसे डिवाइन सोल से हमने सुनी, अभी हरियाणवी में बोला और हिंदी में भी बोला और वो सिद्धांत भी समझाए हैं सारे, और एक एक बात कति सही तरीके से बताई, एक एक सिद्धांत समझाया। तो उसमें मैंने एक पॉइंट नोट करा था जब राधा मैडम अपने अनुभव शेयर करने लग रही थी, तो उसमें था अग भाई एक ऐसे जब रात को वो सोती हैं तो टॉर्च की तरह कोई आके उनको उठाता है, ऐसे जैसे फूल होता है ना और उसके ऊपर भवरा आया करे, सेम इसी तरह हम सारे ध्यानी हैं, सारे योगी हैं, तो हम सारे ध्यान में बैठे हैं, तो जैसे ही आपके अंदर एक सुगंध पैदा होती है ना, आप जैसे ही प्योर होते हो, आप बिल्कुल शुद्ध चेतना हो जाते हो, आपके अंदर से मैल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, कट जाता है, तुरंत आपके पास बहुत सारे मास्टर्स आके रहने लग जाते हैं, उस घर में रहते हैं, उस कमरे में रहने लग जाते हैं। ये मैंने साक्षात अपने अनुभवों के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे आप प्योर और शुद्ध चेतना बन जाते हो तो आपके चारों तरफ वो ऊर्जा इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको देखने के लिए वो आते कि अच्छा धरती पे करोड़ों लोगों में से कोई ऐसा इंसान है जो इतना शुद्ध है, उसको देखने के लिए वहां पे वो लोग आते हैं और उसमें सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। और अगर हमारे अंदर वो अहंकार आता है तो वो हर किसी के पास मास्टर्स होते हैं, अहंकार होता है, जैसे हम कई बार ज्यादा अपना दिमाग घना चला दिया करें, कई बार यूं कहें भाई तू उस कमरे में बैठ, मैं तो इस कमरे में बात करूंगी, होता है ना अमूमन हम कोई हमारा बड़ा बूढ़ा आ गया तो हम नहीं कहेंगे चलो रे बालको वाड़े ते चलो डिगो, हमने अपनी बात करन दो, क्यों हमने चुगली करनी हुए है। तो वहां पे भगवान कभी भी वास नहीं करते, वहां करते ही नहीं भगवान वास, क्यों? क्योंकि वहां पे हम अपनी समझदारी अपना दिमाग चलाने लग जावे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, और जो करा आत्मा तो दूर होए, मन चलने लग गया, भगवान ही कहेगा ओके टाटा बाय बाय, क्यों? क्योंकि देवता जो है वो क्षण भर में हमारे पास आ जाते हैं और क्षण भर में चले जाते हैं, हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारे पास वो एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो राधा मैडम ने जो बताया कि वो इतने, और इस जन्म की बात नहीं है, वो बहुत पिछले जन्मों से वो एक तरीके से ऋषि रही हैं, तभी उनके जो अनुभव हैं और जो उन्होंने यात्राएं की हैं, वो सहस्रार जो खुल रहे हैं, ये सहस्रार खुलना एक बहुत बड़ी बात है, और इतने हजारों हजारों हमारे कमल के फूल की तरह इतनी पेटल्स हैं, हम अनंत हैं, असल में हम समझ बैठे कि हम बूंद हैं, बूंद का महासागर है, यो हमने निबेरा था, मैंने भी निबेरा था, लेकिन धीरे धीरे पता लगा लगा अच्छा नौकरी के साथ साथ हम ये काम भी कर सकते हैं, नौकरी के साथ साथ अपने बच्चे भी पाल सके हैं, बच्चा बालका के साथ हम योगी भी बन सके हैं, बालका के साथ हम ध्यान भी सिखा सके हैं, बालका के साथ पूरे परिवार ने हम अपने अगर ध्यान में ले आओ तो देखो यह धरती स्वर्ग होगी एक नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा काम है और हम सारे इस प्लेटफॉर्म पे हम करने लग रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब राधा मैडम बता रही थी कि अब जैसे राधा मैडम ने कहा कि जो अब ध्यान में आए और ध्यान के बाद उन्होंने अपने परिवार में और सब लोगों को बताना शुरू किया, या हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, तो पत्री सर एक लाइन बोलते हैं जो मुझे बहुत प्रिय है और जीसस क्राइस्ट की वो लाइन है, तो वो बोलते हैं कि वॉट एवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज ए सिन फॉर यू। मतलब मेरे को तो ये रटी हुई है, मेरे को इतनी प्यारी लगती है लाइन कि हम आयुर्वेदा में नहीं पढ़ा करते अग भाई यो प्रज्ञा अपराध है, तुम जान पूछ कभी गलती करोगे तो भाई थारे बीमारी आवेगी, चाहे शरीर की आवे चाहे मन की आवे चाहे आत्मा की आवे है, तो थारे तो वह बीमारी आवेगी, तो प्रज्ञा अपराध। वह ये बात फिर पत्री सर अपने तरीके से बोलते हैं कि वॉट एवर यू डू, जो भी तुम कुछ भी करते हो जीवन में अगेंस्ट यूर बेटर नॉलेज, तुम्हें पता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इज ए सिन फॉर यू, वो आपके लिए पाप ही है, जीसस क्राइस्ट की लाइन है।
तो हम जानते हैं भाई कई पे न्यू है भाई पीएचडी कर ली, डिग्री कर ली, घने ज्ञानी बन गए, आत्म ज्ञानी बन गए और अपने आप में मस्त हो गया, हमने के लेना है दुनिया तय चलो ने के है के दरा है। नहीं, पत्री सर कहते अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटो, आपके पास अनुभव है तो उसको बांटो। अगर आप अपने घर में नहीं बांटोगे, अपने परिवार में नहीं बांटोगे, अपने समाज में नहीं बांटोगे तो तन्ने कुंड बुझेगा भाई। तेरे तेरा भी ऊपर तेरा तेरा है फिर तो, चाहे वो तेरा अपना ज्ञान फिर तेरे माए पड़ा रहो कौन पूछे है फिर, है ना। जो कोई न्यू है भाई घना अमीर आदमी हो तो न्यू का भाई अपने घर में होगा अमीर, घना पढ़ा लिखा है न्यू कहेंगे अपने घर में होगा, घना आत्म ज्ञानी कहेंगे अपने घर में होगा, हमने के लेना देना है नहीं। अगर वॉट एवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज ए सिन फॉर यू, आप देख रहे हो कि कुछ अगर घर में इस तरह की बात हो रही है तो नो इंटरफेरेंस तो है लेकिन बट आपको वो बात बतानी है कि भाई यो आगे चलो, यो दुनिया इस घर की चार दीवारी में ना है, इस घर की चार दीवारी तो बाहर है, तड़ गया तो शांत ये झाड़ू पो चला के छिक लिए। जब जैसे राधा मैडम ने कहा भी कोरोना के टाइम में अब हम लोगों को ये एक हमारा जो होता है ना सुप्रामेंटल बॉडी होता है, सुप्रामेंटल बॉडी का मतलब कि आपका एक आनंद शरीर है, आनंद शरीर का मतलब कि वो तो हम भूल ही गए थे क्योंकि मन में इतने उलझ गए, अब भाई मेरा मन बस मन मेरा मेरा पैसा मेरा बिजनेस मेरी नौकरी और मेरा मेरा परिवार बस और जाओ भाड़ में, ये प्रकृति दर्शन तो कितने आस पास भी नहीं। फिर सुप्रामेंटल बॉडी होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, महर्षि रमन, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया सारा, उन्हीं को तो हम याद कर रहे हैं। दुनिया मर गई, कितने बड़े बिजनेसमैन हो गए, कितनी बड़ी पढ़ाई लिख ली, चाहे चार डिग्री मरने भी कर रखी है, कौन पूछा है, कोई ना पूछता अगर मैं अच्छी ना हूं तो। आप बाहर भी जैसे हो और अंदर भी ऐसे हो, ऐसे योग्य होना चाहिए। मैं यहाँ तो कुछ हूँ और अगर मैं अपने घर में कुछ और हूँ तो फिर तो योगी नहीं है ना, फिर तो ढोंग है, फिर तो ड्रामा है। तो ये ड्रामा नहीं करना, हमने तो बिल्कुल सही अपने तरीके से बिल्कुल सादगी से अपनी उस शुद्धता से शुद्ध चेतनता से जीना है। ये सिक्स प्रिंसिपल आज मैडम ने बताए, अभी अहम ब्रह्मास्मि, आप पुनर्जन्म सिद्धांत बार बार आते हैं, किस तरह आओ है, क्यों आओ है, ये जड़ को चक्र ना एक रखे, मशीन लाओ तड़के तड़के है अपना उसमें बस कपड़े धोकर सुखा दो, बस यही काम रह गया। मतलब मैं कई बार देखती हूँ अपने चारों तरफ कि आप सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा ध्यान कर लो, अपने लिए दे लो, अपने लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। जैसे सोल का, हमारी आत्मा का भोजन क्या है वो तो भूल गए हम, बस अपने घर की सेटिंग में, घर तो आड़े रहना है, जाना ही नहीं है तो ऊपर जाना ही नहीं, कुछ भी पता है हमें ये सत्य का पता है, पर फिर भी हम क्यों ऐसा भागते हैं, क्यों, क्योंकि हम पिछले जन्मों से हमारी जीन्स है ना वो ऐसे चिपट के रहती हैं, वो हमारा जो मन है ना उसके अंदर, मन और कारण शरीर, वो हमें छोड़ता नहीं, हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बस एक एक हमें आपको हम सबको एक रिलैक्स वो एक ऐसे कंफर्ट जोन चाहिए। लाइट चली गई तो आफत आ गई, पानी नहीं आया तो आफत आ गई, इतना बुरा हाल मतलब हमारा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। जैसे कोरोना जब शुरू शुरू में आया था, नाउ हम अभी तो हम इम्यून हो गए हैं कोरोना के, शायद वो अभी इसीलिए वो लंबा चलेगा कि भाई क्यों वो सिखाना आ रहा है भाई, जब तक थारी वह सुपरामेंटल लेयर नहीं जागेगी ना जब तक तो ये कोरोना जावे नहीं। वह बात है कि वो जागने के लिए की तो दुकान पे तो वह चीज मिलना नहीं, भी प्रेम करो पक्षियों से दुकान पे नहीं खरीद सकते हम, वो तो भीतर से जगाना पड़ेगा। पेड़ों से प्रेम करो, पेड़ों को पानी दो। एक बार मैं कई बार मैं तो आपको सुबह सुबह बताती हूँ कि अगर मैं पेड़ हूं, मान लो मैं एक घर में खड़ी हूं और मेरे को कोई पानी दे रहा है, हाँ थूकते हैं वहां पे, आप गंदा कोई कूड़ा डालते हो, मेरे को तो बहुत तकलीफ होती, रोना आता, मैं तो बैठ के रोने लग जाती कि मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ कमरे में, मुझे तो इस कमरे से निकल के बस निकल जाना चाहिए सेवा करने के लिए, ऐसे लगता है। क्योंकि लोगों को इतना भी जागृति नहीं कि थूकना नहीं चाहिए पेड़ के पास, इतना जागृति नहीं है कि घर में पेड़ है, घर के बाहर पेड़ है, चलो पानी दे देते हैं, बस अपना 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 अपना, अपने से भी क्या होगा, नो एंट्री इन एनी लोक, कोई लोक में एंट्री ही नहीं है। अब इतना सेंसिटिविटी हमारे अंदर चलो धीरे धीरे हमारे अंदर आ रही है और हम इस चैनल के माध्यम से प्रकृति को जागृत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ध्यानी बन रहे हैं और परिवार परिवार में घर घर में ये ध्यान जा रहा है, हम सब रंग रहे हैं उस ध्यान में, तो बहुत अच्छी बात है।
और थैंक यू राधा मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो अनुभव शेयर किए, और आप लिखते रहिए, हम आपसे फिर से सुनेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और अब विजेश मैडम कति मतलब और के कहूँ, मतलब मीरा लादी बीच में है, मतलब मीरा एरी मैं तो प्रेम दीवानी। प्रेम ऐसी चीज है कि कृष्ण भगवान क्या कोई भी भगवान अपने आप ही ले जाता है। जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि फूल अच्छा है तो भवरा तो आएगा, आप घर में अच्छे हैं तो आपके पास भगवान आएंगे। गीता में यही लिखा है कि मानव लोक और देवता लोक पहले इकट्ठे रहा करते, क्यों? क्योंकि पहले हम गाय ने पूजा करते, बैल ने पूजा करते, आज इसे टीके लावा है भाई बैल की जरूरत को ना, गाँव गाँव होनी चाहिए। अरे मर जाओ कहीं डूब के अगर हम ऐसी गंदी सोच रखते हैं तो, इस तरह का तो सोच ही नहीं आना चाहिए। हाँ, अपने घर में हम घरों में अपने कमरे में पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन बाहर हमें कोई जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, क्या करेंगे ऐसे बिजनेस का जहाँ पे ये धरती खत्म हो जाएगी, और धरती के बगैर हम जाएंगे कहाँ? मंगल ग्रह पे नहीं है, वहां पे मंगल शनि ग्रह वहां पे हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग पिरामिड्स हैं, अलग वहां पे सूक्ष्म शरीर है, अलग तरह के। हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो ये बातें भी हमें पता होने चाहिए कि हर ग्रह का अपना एक तरीका होता है रहने का। वहां पे शरीर नहीं है, शरीर या धरती यहीं पर ही है, भौतिक शरीर यहीं पे मिलता है, हमें वहां नहीं जा सकते, हम सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर सकते हैं। तो हमें हर किसी को जितना समय मिले उतना आप सबको जागृत करिए। तो विजेश मैडम बहुत बढ़िया था आपका भजन, और बहुत गुड़ था आज, बहुत ज्यादा गुड़ भजन था आपका, बहुत अच्छा था। और सरिता मैडम मन ने तो न्यू लगा है आप ये 13 दिन जो हमारे हरियाणा के है ये कति आप संभाल लो गए, मेरे भी थोड़ा से ये जो बाल जल्दी सफेद होने लग रही है, रुक जाओगे नहीं तो मेरे सारे सफेद हो जाओगे। हाँ, तो आप अगर इतनी सी मेहरबानी कर दो हमारे ऊपर। हाँ, तो आप इतना अच्छा बोलते हो और इतना अच्छा समापन करते हो, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है चलो। और क्योंकि अभी हम चैनल के माध्यम से अभी कोशिश ये हो रही है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे गांव है, जो 7000 विलेजेस हैं हरियाणा में, उनमें ध्यान किस तरीके से पहुंचेगा, तो उसकी भी हमने एक मीटिंग करनी है। ये 13 दिन हमारे हो जाएं उसके बाद हम इसकी मीटिंग करेंगे कि किस तरीके से हम गांव-गांव पहुंचा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसी काम में लगी हुई हूँ कि कैसे ध्यान हरियाणा के घर घर में जाएगा। तो आप से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमें समय दे दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अरेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं मतलब, पर हमें आजादी से जीना, फ्री विल, मजे से जीना, नो फोर्स नो टेंशन नो स्ट्रेस, मजे से करेंगे। ओके मैम, कति खाली बैठी हूँ, बस आपके आदेश की जरूरत है, पर मन न्यू लागा है मैं ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं है, कदे कुछ उल्टी सी बोल जाऊ इतने बड़े मंच में तो खराब बात हो जाएगी। जो हमें ना छोटे से बच्चे से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, और हमेशा देखो अनेक अनेक सिद्धांत बताया अभी राधा मैडम ने, अनेक अनेक सिद्धांत है कि वी ऑलवेज आर द लर्नर्स, वी ऑलवेज लर्नर्स हैं, वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, हमेशा हम परफेक्ट, हम जब अनुभव ले लेते हैं तो हम उससे आगे बढ़ते हैं, और यही जीवन का सिद्धांत भी है कि इसीलिए हमारे अनेकों जन्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार ये बलवा खा लिया ये सारी जिंदगी खाओगे के न्यू का मेरी बत, मैं कई बार सोचती हूँ अपने घरों में तो न्यू का ना भाई रात ने मैंने नींद नहीं आती अगर मैं दूध ना पीऊँ, अरे एक दिन कहीं बाहर गए हो सो जाओ ना, क्या दिक्कत है, दूध नहीं पियोगे तो क्या आफत आ रही है, मतलब हमें इतना लिबरल होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में सीखनी है, क्योंकि भाई मेरा तो कभी खाना है ना पचे, मैं दही ना खाऊं थे बेचारा हो गया भाई, सारी जिंदगी तुमने दही खाई एक दिन मत खाओ तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना, तो वो चीजें आना चाहिए हमें। तो नहीं, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, हमें हर रोज सीखना ही है। तो आप भी ऐसा नहीं है कि आप भी ऋषि हो जो आप ये संभालते हो स्टेज और बोलते हो, आज आपने जो बोला कि जो कस्तूरी
है, वो मृग खुद ही ढूंढती रहती है जबकि उसके अंदर होती है। तो आपके अंदर भी वो कस्तूरी है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब अलग अलग प्यारी प्यारी डिवाइन सोल्स हैं, सबके पास अलग अलग मोती हैं, तो वो मोती हम बिखेर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम करें 5 मिनट ध्यान। ओके ठीक है, आंखें बंद करते हैं, चश्मा उतार के एक तरफ रख लेंगे और 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। हाथ में हाथ रखेंगे, पैरों को क्रॉस करके कुर्सी पर, बेड पर, जहां पर आपका दिल करे वहां पर बैठ जाइए। और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, एक गहरी सांस, दो गहरी सांस, आराम से उस सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। और अभी तो कुछ दिन से फकीरी चल रही है, तो फकीरी ही में ही अपने उसमें अंदर ही अंदर अपने आप से दोस्ती करेंगे। फकीरी ही है जो नहीं मिलती, मीरा की तरह मग्न हो जाएंगे। आंखें बंद, चश्मा उतार कर एक तरफ, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस, और अपनी बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। सांस ही मेरा गुरु है और सांस ही मेरा दोस्त है, यही मेरा अनंत नाद है। मेरी सांस बाहर से भीतर, मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से, मूलाधार चक्र तक जा रही है और फिर वहीं से ऊपर इस कुंडलिनी के रूप में ऊपर उठकर बाहर निकल रही है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। 6 सेकंड के भीतर भीतर मेरा रोम रोम मेरे सांस से ऊर्जावान हो रहा है। ये शक्ति जो नवरात्र की है, ये मेरे पूरे शरीर में, कण कण में, रोम रोम में प्रसारित हो रही है। मैं ही कुंडलिनी हूं, मैं ही प्राण शक्ति हूं, मैं ही स्वरूपिणी हूं। कितने ही रूप बदलती हूं, ये सांस जो मेरे कण कण में, मेरे शरीर के, मेरे मन शरीर के, कारण शरीर के, महाकारण शरीर के, विषमय शरीर के, निर्वाणमय शरीर में रोम रोम में फैल रहा है। मैं एक छोटी सी बूंद होते हुए भी वो महासागर हूं, महाशून्य हूं, और यही मेरा स्वभाव है। मैं अपने आप को इस धरती पर आकर सीमित कर लिया, लेकिन जैसे ही हम आत्मज्ञानी होते हैं वैसे ही हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी भगवान हो, ये कोई भी जीव आत्मा ऐसी नहीं है जो भगवान नहीं है। कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य तक की यात्रा में हर कोई भगवान है, हर कोई ब्रह्म है। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। ये भीतर की शांति, ये भीतर की ऊर्जा, जैसे ही हमारे भीतर संग्रहित होती है वैसे वैसे हमारा दिव्य चक्षु खुलने लगता है, और जैसे जैसे ये ऊर्जा इकट्ठी होती है तो हम
मानव लोक और देवता लोक इकट्ठे रहने लगते हैं। मन और मन का आवरण छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और आनंद का शरीर बढ़ने लगता है। जैसे ही कोई विचार आए फिर से अपनी सांसों पर आ जाए। ये सांस एक बांध है जो शरीर और आत्मा के बीच का है, जो हमें जोड़ता है। हम इस नवरात्र में उन महाशक्तियों को एक बार तहे दिल से नमन करेंगे। महारुद्रानी, महाभद्रानी, महादेवी, महाकाली, महालक्ष्मी, अनेकों अनेकों रूप में ये शक्ति हमारे पास सरस्वती के रूप में, काली के रूप में, भैरवी के रूप में हमारे भीतर ही है। और सांस से होने वाला जो नाद है वो ही मेरा परम गुरु है, वो ही मेरा परम मित्र है। आखिरी एक मिनट, पूरी मस्ती से, फकीरी से, अपने आप से दोस्ती, ये ऐसी यात्रा है जो हमें अनेक लोगों में करनी है। हम सब सोल फैमिली मेंबर्स हैं। दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। आराम से अपने हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू जी सब, थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत मजा आनंद। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी को बाय। आराम से टाइम से सोएंगे, मॉर्निंग में मिलेंगे नाच साधना के लिए। ओके बाय 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 बाय।